आज आपको सत्संग के माध्यम से वह सच्चाई देखने और सुनने को मिलेगी, जिसके द्वारा आपको स्वयं पता लग जाएगा कि जगत का उपकारक व पूर्ण मोक्ष करवाने वाला गुरु कौन है। पूर्ण सद्गुरु जब संसार में प्रकट होते हैं तो उनके कुछ लक्षण होते हैं, वो आपको बताना चाहेंगे। पूर्ण संत की पहचान होती है कि सारे संत महंत गुरु पूर्ण सद्गुरु के खिलाफ हो जाते हैं, प्रजा राजा को भटकाते हैं, झगड़े करवाते हैं, जेल में डलवाते हैं। जब कबीर साहब जी आए थे तो उनको अनेकों बार जेल में डलवा कर यातनाएं दी गईं। गड़का को ज्ञान समझाने के लिए घर गए तो कबीर साहब पर चरित्र हनन का आरोप लगाया गया, शराब पीने का आरोप लगाया गया। कबीर साहब द्वारा दी गई भक्ति विधि प्रथम मंत्र व सतनाम के जाप करने से भक्तों को हर प्रकार के सुख होने लगे, दुख हुआ बीमारियां दूर होने लगीं, बड़े बड़े चमत्कार होने लगे। उन चमत्कारों को देखकर अधूरे गुरु कबीर साहब को जादूगर कहने लगे। यही आरोप आज संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर लगाए जा रहे हैं। तो आप आगे सुनिए सत्य सत्संग। पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीब दास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। गरीब नमो नमो सत पुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहिब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैबंधनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुवेशंदनम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना निर्तल। उज्ज्वल हिरंबर हरदम अम्बे परवा अथा है वार पार निमज्जतम। ग्रीव जो सुमरै सिद्ध होई गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश बनाओ गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आद्यंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम ऋद सिद्धिदाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पू शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन दावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष शेष मुख गावे पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय धावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा पल पावे। 33 कोटि अधारा दावे शेष 88। उतरे बहु दिल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा जावे शेष 88। उतरे बहु दिल पारा कट है यम की फांसी। करे जोरू विनती करूं अंदरों चरण पर शीशे।
गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश, कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम, चरण कमल में राखियो में बंदी जन गुलाम। कुत्ता हूँ गुरुदेव का रामपाल दास का नाम, गले प्रेम की जेवड़ी जाख चो जाऊं, तो करो तो बावड़ू दूर दूर करो तो जाऊं, जो राखो तो ही रहूं, जो देवो सोख। उन आत्माओं, इस दास के विषय में आपको बहुत बार प्रमाणित किया है कि कबीर परमेश्वर जी ने इस दास को भेजा है, वो कंप्लीट कोर्स देकर संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान, वो मूल ज्ञान है और सार शब्द है। अभी तक ये छुपा के रखना था, जब तक 5500 वर्ष कलयुग नहीं बीत जाएगा तब तक इसको डिस्क्लोज नहीं करना था। और जब ये समय आया, कबीर परमेश्वर जी ने दास को स्पेशल आदेश दिया, स्पेशल आ करके और कहा कि शुरू कर दे, मैं तेरे साथ रहूँगा, चिंता मत करना, अब समय आ गया इसको डिस्क्लोज करने का। तो वो अब डिस्क्लोज कर दिया गया। अब कबीर साहब कहते हैं ये 12 पंथ हम ही को जावें, ये कबीर नाम से जो पंथ चल रहे हैं कबीर साहब को मानते हैं, लेकिन साधना ठीक नहीं है और अस्थिर घर का मरम नहीं पावें। वो कौन से? ये 12वां पंथ गरीबदास जी का पंथ है, और 12वें पंथ में गरीबदास वाले पंथ में कहा है कि गरीबदास वाले पंथ तक के व्यक्ति उस सतलोक नहीं जा सकते, असंग जन्म ठोर नहीं पावे, असंग जन्म तक गरीबदास पंथ के भी असंग जन्म तक सतलोक नहीं जा सकते, क्योंकि उनकी साधना गलत है। आपको दिखाते हैं वो 12 पंथ कौन कौन से हैं और कौन से पंथ में परमात्मा ने स्वयं आने के लिए कहा है, उसके लिए देखिएगा कबीर सागर। कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग खेमराशि कृष्णदास प्रकाशन मुंबई के द्वारा प्रकाशित है। ये संपूर्ण 11 भाग ये नोना ये उन्हीं का है, कबीर पंथियों का छाप्या हुआ, कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद विहारी द्वारा पुरस्कृत, और ये मुद्रक के प्रकाशक। ये है कबीर बाणी नामक एक चैप्टर है, कबीर सागर में अध्याय है, बोध सागर खंड है, कबीर सागर ग्रंथ है और कबीर बाणी अध्याय है। इसके 136 पृष्ठ पे यहाँ देखिएगा, द्वादश पंथ चलो सो भेद, क्या बताया है कि द्वादश पंथ काल फुरमाना और भूले जीव न जाए ठिकाना, ताते आगम कह हम बाख्या वंश हमारा चूड़ामणि शाखा, प्रथम जग में जागो ब्रह्मावे बिना भेद वो ग्रंथ चुरावे, दूसर सुरत गोपाल होई अक्सर जो जोग दृढ़ावे सोई, तीसरा मूल निरंजन, चौथा पंथ टकसार और पांचवा पंथ बीज का लेखा, फिर सतनामी पंथ, फिर जीवा का पंथ, राम कबीर पंथ, फिर यो परम धाम की वाणी पंथ, ये चलेंगे। अब ये तो यहाँ इन्होंने प्रथम पंथ चूड़ामणि को नहीं दिखाया, प्रथम जागू दिखा दिया, ये गलत करके रखे। और यहाँ देखना, ये है बोध सागर का ही कबीर चरित्र बोध नामक ये चैप्टर है, अध्याय है, इसके एक 1870 पृष्ठ पे, ये 1870 पृष्ठ, यहाँ 12 पंथों को गद्य भाग में लिखा है। कबीर साहब के पंथों का वर्णन, प्रथम नारायण दास जी का पंथ लिख दिया इन्होंने, और दूसरा जागुदास, और यहाँ लिख रखा है न प्रथम जागुदास, देखो
यहाँ इस कबीर वाणी चैप्टर में 136 पृष्ठ पर प्रथम लिख दिया जागुदास, यहाँ चूड़ामणि को निकाल दिया, ये प्रथम चूड़ामणि है। ये अब हम आगे 1870 पृष्ठ पर कबीर चरित्र बोध में प्रथम नारद दास जी का पंथ, फिर जागुदास पंथ, तीसरा सूरत गोपाल, मूल निरंजन का पंथ, टकसारी पंथ, भगवान दास पंथ, सतनामी पंथ, कमाली पंथ, यू कमाल का पंथ, कमाल आला, कमाली का नहीं कमाल का, राम कबीर पंथ, प्रेम धाम की वाणी पंथ, और 11वां जीवा पंथ, और 12वां है गरीबदास पंथ। यू 12वां पंथ याद रखो, ये गरीबदास पंथ है, ठीक है। यहाँ क्लियर है गद्य भाग में, और ये है पद्य भाग कबीर वाणी 136 पृष्ठ पे, 136 पृष्ठ। अब यहाँ आ गए हम फिर दोबारा, द्वादश पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाओ ठिकाना, इन 12 पंथों में काल का आदेश चलेगा, नाम चलेगा, ज्ञान चलेगा, अर्थात ये आगम कह हम व्याख्या, इसलिए भविष्य का बताऊंगा आपको। वंश हमारा चूड़ामणि शाखा, ये प्रथम चूड़ामणि है, इन्होंने गद्य लिखा, थोड़ा सा फेर बदल बाद में किया है इन कबीर पंथियों ने। प्रथम जग में जागो बरमावे, बिन जागो जुगो सूरत गोपाल वही है, टकसारी पंथ, फिर सारा ये सतनामी पंथ, और ये सारा वही है परम धाम की वाणी पंथ। और यहाँ आगे हम ये 10वां पद है परम धाम की वाणी। अब ये 11वां है वास्तव में, अब ये है 12वां। कहते संवत 1775 हुई, तादिन प्रेम प्रगटे जग सोई। संवत 1774 में गरीबदास जी का जन्म हुआ था, संवत 1774 वैसाख में, यहाँ गलती से 75 लिखा गया है। गरीबदास साहिब जी का जन्म गांव चुड़ानी जिला जद्दर हरियाणा के अंदर, उनका जन्म संवत 1774 में हुआ था, ये गलती से 75 प्रिंट है। तो यहाँ कहा है कि संवत 1774 जब आवेगा तो जग में प्रेम प्रगट होगा, यानी वो मेरी महिमा की कुछ वाणी है, मेरा ज्ञान पुनः बतावेगा। परमात्मा ने पता था कि जब काल के दूत कबीर पंथ में घुसेंगे तो मेरी वाणी में भी गड़बड़ करेंगे वे, कबीर पंथ में मैं काफ़ी कबीर सागर में फेर बदल कर रखे अपने हिसाब से, तो उसको उसकी पुनर्वर्ती के लिए, उसकी पूर्ति के लिए परमात्मा ने अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी जो बारहवें पंथ वाले थे उसके माध्यम से यथार्थ ज्ञान बुलवा रखा है पूरी डिटेल के साथ। इतना मोटा ग्रंथ है जिसका हम पाठ करते हैं। संवत 1775 होई, ये 74 होई होना चाहिए, तादिन प्रेम प्रगट है जग सोई, बारहवें पंथ का प्रवर्तक तब प्रगट होगा। आज्ञा रहे ब्रह्म बोध लावे, कोली चमार सबके घर खावे, यानी वो भेदभाव कम करेगा, साख हमारी ले जीव समझावे, असंग जन्म छोड़ नहीं पावे, बारहवें पंथ प्रगट हो वाणी, शब्द हमारे की निर्णय ठान, बारहवें पंथ में गरीबदास वाले पंथ में मेरी महिमा की वाणी पुनः प्रगट होगी। पुण्यात्माओं गरीबदास जी की वाणी में, क्योंकि परमात्मा मिले थे गरीबदास साहिब जी को, 10 वर्ष के बालक थे चुड़ानी गाँव में, वहाँ से सतलोक लेकर गए थे धर्मदास जी की तरह, फिर वापस छोड़ा था। परमात्मा को मालूम था कि 12 पंथों में कबीर पंथ के नाम से काल घुसेगा और नकली ज्ञान देगा, मेरे नाम का नामों निशान मिटा देगा ज्ञान का, तो अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी को ले गए, फिर वापस गोवा बना के छोड़ गए। उन्होंने उस वाणी का आँखों देखा हाल लिखा जो दास के पास उपलब्ध है। तो यहाँ क्या बताते हैं कि कबीर साहब ने कहा कि बारहवें पंथ प्रगट हवा वाणी और शब्द हमारे का निर्णय ठाणी, ये 12 अस्थिर घर का मरम ना पावें, ये 12 पंथ हमी को जावें, यानी मेरी वाणी को 12वें पंथ प्रगट हो वाणी और शब्द हमारे का निर्णय ठाणी, हमारे ज्ञान को वो कोशिश करेंगे समझने की, पर अस्थिर घर का मरम ना पावें, ये 12 पंथ हमी को जावें। गरीबदास वाले पंथ में भी कहते हैं मेरी महिमा की वाणी प्रगट होगी, लेकिन गरीबदास वाले भी इस ज्ञान को समझ नहीं सकेंगे, क्योंकि गुरु बिन का हुन पाया ज्ञाना, जो थोथा भूसड़े मूड किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। तो सतगुरु आवे दया करी, वो दया करी परमात्मा ने, फिर इस दास को देखियो आगे देखो इसका निचोड़ कहाँ होता है। कहते बारहवें पंथ प्रगट हो वाणी,
शब्द हमारे का निर्णय ठानी, पुनः वाणी प्रकट होगी मेरी गरीबदास द्वारा, और अस्थिर कर कामरम नहीं पावे, सथाई लोक सतलोक नहीं जा सकते, ये बारह पंथ कबीर कबीर करेंगे और मेरी महिमा मेरे ज्ञान को मेरी वाणी को पढ़ पढ़ कर पंथ चलाएंगे, लेकिन अस्थिर कर सतलोक नहीं जा सकते, बर में पंथ फिर हम ही चले आवें, गरीबदास वाले पंथ में हम आगे चल कर आवेंगे और सब पंथ मिटा कर एक ही पंथ चलावें। पुणात्माओं परमात्मा ने दास भेज दिया सारा वो जो का तू दे का सामान, और इस दास का निकास गरीबदास पंथ से है। मेरे पूज्य गुरुदेव जी गरीबदास पंथ से संबंधित थे, उन्होंने मुझे ये सारा ज्ञान दे करके कह दिया था बेटा मेरे जाने के बाद यहाँ मत आना वापस, यहाँ कुछ नहीं है छुड़ानी में, ये सारे अभिमानी जीव हैं, तेरे को लेना था हमने आगे या जोत के जोत जगानी थी, बस इतना ही काम था यहाँ तो। पुणात्मा उसके बाद दासवां जाख्या भी नहीं छुड़ानी में, जो माल थी सदगुरु हमें दे गए, और कहते बारह पंथ गरीबदास पंथ तक भी पार नहीं होंगे असंग जन्म तक यदि इस मार्ग को ग्रहण नहीं करेंगे। और फिर परमात्मा क्या कहते हैं आगे देखो, प्रथम चरण कलयुग निर्याना तब मगर मांडो मैदाना, कलयुग का प्रथम चरण वो होगा जब कबीर साहब मगर से सह शरीर जाएंगे, कहते मैं सह शरीर जाऊंगा मगर मैं एक लीला करूंगा, वो प्रथम चरण होगा। कलयुग को परमात्मा कबीर जी ने तीन चरणों में बांटा है, प्रथम चरण जब स्वयं आए थे, अब बिचली पीढ़ी जो अब चल रही है, और अंतिम लास्ट वाले कृतगनी हो जाएंगे कलयुग के जी, वो भक्ति नहीं करेंगे, मांसाहारी बकवादी हो जाएंगे। अब ये प्राइम टाइम जिनको अब मनुष्य जीवन मिलेगा, जो पुण्यात्मा है फटाफट परमात्मा भेज देगा उनको और ज्ञान ग्रहण करेंगे, आपके ग्रह से पुण्यात्मा आएंगे बेटा और बेटी, आते भगवान की भक्ति पर लग जाएंगे, उनके आप पर कर्म बन जाएंगे, उनको कोई दुख नहीं आवे, टेंशन खत्म हो जाएगी सारी, ऐसी पुण्यात्मा आपके घर पे आऊंगी। कबीर साहब कहते हैं जो भक्ति बीज होवे जो हंसा, जो मेरी शरण में आ गया और तारु तास के एकोत्तर वंशा, उसके 101 पीढ़ी पार कर दूंगा, 42 की तो बात छोड़ो। धर्मदास जी को मालिक ने सारी बता दी थी, पर ये मेरा दाव पेच अभी सार्वजनिक ना करना, मैं तुझे बता देता हूँ मैं के करूँगा। कलयुग की बिचली पीढ़ी में बर्मा पंथ ये काल के जो कबीर पंथ में होंगे ना गरीबदास का होगा, और तब तक मैं जो अब ये वाणी लिखवा रहा हूँ ज्ञान, इसमें भी ये अपनी सोच अनुसार परिवर्तन करेंगे, कुछ इसका प्रारूप बिगाड़ेंगे, काल बिगड़ुआ होगा क्योंकि इसने सुख संवेद का नाश कर दिया था, और फिर गरीबदास नाम से बर्मा पंथ होगा ये मेरे नाम से, उसमें मेरी महिमा की वाणी को मैं पुनर्यथार्थ रूप में प्रकट करवाऊंगा, और वो वाणी इतनी प्रसिद्ध नहीं होगी, लोग उसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे। और गरीबदास ने आदेश दे दिया था उस लिखने वाले को कि जो मैं बोलूं उतना ही लिखेगा, और इसमें कोई छेड़छाड़ करेगा उसकी दुर्गति हो जाएगी। तो गरीबदास पंथ में ये धारणा गजब की बना रखी थी, समझ माई मारे क्यों कर रखा था यूं काम, सबकी ये धारणा थी कि मालिक की वाणी में जैसा भी बोल रखा है ऐसा ही लिखना, जिसमें एक भी अक्षर में फेरबदल कर दी तो उसकी कईयों के साथ ऐसी घटना घट गई थी, वो छेड़ा नहीं करते। इसमें परमात्मा ने गाली तक दे रखी है इन नकली पंथों को और इस काल को जो मैं बोल नहीं सकता, और वो भी लिखनी पड़ी ने, उसमें फेरबदल नहीं कर सके क्योंकि बिरान माटी हो जाती है, भगवान का आदेश था। तो इस कारण से गरीबदास की वाणी को किसी ने छेड़ा नहीं है, एज इट इज मात्रा हुआ मात्रा नहीं हुई लिखी उन्होंने, परिवर्तन नहीं किया। और ये कारण ये था कि कहीं इसमें भी गड़बड़ कर दे ना लायक आके न कहेगा बेरा सह नहीं, तो कहा कि बार में पंथ में प्रगट हो वाणी, और ये बारह पंथ जो हैं शब्द हमारे का निर्णय ठाणी, ये अस्थिर घर का मरम नहीं पावे, और ये बारह पंथ हम ही को ध्यावें, बारहवें पंथ में हम आओगे चल के। और फिर जैसे ही कलयुग है ना, धर्मदास जी से बात कर रहे थे, कलयुग था स्टार्ट ऑफ द कलयुग, यानी बीच सी मिला ले कि ये प्रथम पीढ़ी है, ये प्रथम पीढ़ी है, और फिर इसके बाद बिचली पीढ़ी जब आवेगी तब हम आवेंगे।
उस गरीबदास पंथ में आएंगे हम आगे चल के। ये दास गरीबदास पंथ से संबंधित है, लेकिन उन गरीबदास पंथ वालों के दास के विचार कभी नहीं मिले, क्योंकि वो जो वाणी में लिखी थी बातें उनके विपरीत क्रियाएं कर रहे थे। एक मेरे गुरुदेव के अतिरिक्त उस पंथ में कोई भी संत ऐसा नहीं था जो ये मंत्र सतनाम देता हो, ओम नमः भागवते वासुदेव, कोई कुछ कुछ ऐसे ऐसे मंत्र मनमुखी, कोई सतगुरुदेव नमः, इस तरह के मंत्र दिया करती थी। और वाणी में स्पष्ट लिख रखे ये दो अखर का मंत्र, ये जाप करना, ये मंत्र है दो अखर का, ओम और एक ये तत्व, और फिर भी उल्टे जाप कराती थी। तो मेरे उनका कभी विचार नहीं मिला, इस कारण से हम छुड़ानी जाना भी बंद करना पड़ा और वो विरोधी भी बन गए थे, जिसके कारण उन्होंने बहुत परेशानियां भी पैदा की। पर मालिक के सामने किसकी पार बसावट। अब यह हम कबीर वाणी चैप्टर और बोध सागर का 137वां पढ़ रहे हैं। कति बर में पंथ प्रगट हो वाणी, शब्द हमारे का निर्णय ठानी, पुनः वाणी प्रगट होगी मेरी गरीबदास द्वारा, और अस्थिर कर कामरम नहीं पावे, सथाई लोग सतलोक नहीं जा सकते, ये 12 पंथ कबीर कबीर करेंगे, और मेरी महिमा मेरे ज्ञान को मेरी वाणी को पढ़ पढ़ कर पंथ चलाएंगे, लेकिन अस्थिर कर सतलोक नहीं जा सकते। बर में पंथ फिर हम ही चले आवें, गरीबदास वाले पंथ में हम आगे चल कर आवेंगे, और सब पंथ मिटा कर एक ही पंथ चलावें। प्रथम चरण कलयुग निर्याना, तब मगर मांडो मैदाना, धर्म राय यानी काल से मांडो बाजी, तब धर्म बोधो पंडित का जी। अब यहाँ कहते हैं 5505 तब ये शब्द होगा साचा, जब 5505 वर्ष कलयुग बीत जाएगा तब ये बात मेरी साची होगी धर्मदास, तब तक तो या ना जच्चे किसी के। अब देखो फिर कहते हैं धर्मदास मेरी लाख दोहाई, ये मूल ज्ञान है भूल नहीं, मूल ज्ञान कहीं बाहर ना जाई, पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो, मूल ज्ञान तुम गुप्ती रखो गोई रखो, मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी ये बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही, 33 अरब ज्ञान हम बाख्या, मूल ज्ञान गुप्त ही राख्या गोई राख्या, और मूल ज्ञान तुम तब तक छुपाई जब लग द्वादश पंथ मिटाई। ओए परमात्मा ने कहा धर्मदास मेरी लाख दुआई, इस सतनाम और सारनाम नहीं बस सार्वजनिक ना करिए, ना बीचली पीढ़ी मेरे हंस नहीं तरेंगे, काल के दूतान द्वारा नाम होता अधिकारी ये है नहीं, और आज ये दास कैसे अंतर दिखाता परमात्मा के बच्चों को कि ये नकली रही असली है। तो परमात्मा ने कहा था धर्मदास मेरी लाख दुआई, ये सार नाम की तो बताइए ना तुम जाप करो, ऐसे ही सभी महापुरुषों को जिनको सतलोक ले गिर छोड़ा सबको ऐसे ही कहा था, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, आदरणीय मुलुकदास साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय गीसादास साहिब जी को, किसी भी पंथ में, गीसादास पंथ में, गरीबदास पंथ में, कबीर पंथ में, ये सतनाम नहीं है दो अक्षर का, ये अन्ना नानक साहिब के पंथ में। अब इस दास को भेजा परमात्मा ने, अब उन महापुरुषों को गवाह बना कर आपको प्रत्यक्ष कर दूंगा कि कबीर इज गॉड। आगे देखो अब थोड़ा सा और क्लियर करते हैं, 134 पृष्ठ पर देखो, इन 12 पंथ तो ये चल पड़े गरीबदास जी तक, और 13वां वंश ये दास आया है कबीर परमात्मा का, ये देखिएगा ये कबीर वाणी बोध सागर में है, बोध सागर कबीर वाणी चैप्टर है 134 पृष्ठ पर नीचे आ गया। वंश प्रकार, अब प्रथम वंश उत्तम ये चूड़ामणि जी हैं, दूसरा वंश अहंकारी, तीसरा वंश प्रचंड, और चौथा वंश बिरहे, पांचवा वंश निंद्रा, छठा वंश उदास, और सातवां वंश ज्ञान चतुराई, आठवां वंश पंथ विरोध, नौवां वंश पंथ पूजा, दसवां वंश प्रकाश, ग्यारहवें वंश प्रकट सारा, बर में पंथ प्रगट होए उजियारा, ये गरीबदास जी का 12वां पंथ, इसमें मेरी महिमा की पुण्य वाणी का कुछ प्रकाश सा होगा, थोड़ा थोड़ा उजियारा सा होगा, धुंधला धुंधले सी। तो अभी इसमें क्या बताया है 12वां पंथ गरीबदास, बर में वंश प्रगट होए उजियारा, जैसे कहा था ना 12वां पंथ मेरी प्रगट हुआ वाणी, ये अगले पृष्ठ पे है, वो तो 134 पे 137 पे, बर में पंथ प्रगट हुआ वाणी, शब्द हमारे का निर्णय ठाणी, और बर में पंथ में फिर हम ही चलावें, और सब पंथ मिटा के एक पंथ चलावें। अब यहाँ हम फिर आ गए 134 पे, अब यहाँ पढ़ते पढ़ते आ रहे हम कबीर वाणी में नीचे,
अब बर में शब्द प्रगट हो उजियारा, यानी मेरी महिमा की वाणी में कुछ कुछ ज्ञान होगा कबीर साहब मेरा बारे में। और तेर में वंश मिटे सकल अंधियारा, अभी तेरमा वंश ये दास है, अब सारा अंधेरा हट जाएगा, ये कबीर साहब भगवान रह जाएगा पूरे विश्व में। जब कबीर परमात्मा ने धर्मदास जी से कहा था कि धर्मदास मैं जिस समय कलयुग का 5500 वर्ष बीत जाएगा कलयुग, तब मैं आऊँगा और सब पंथों को मिटा के एक पंथ चलाऊँगा, उसके लिए देखिएगा सौसम वेद बोध कबीर सागर में। कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग खेमराशि कृष्णदास प्रकाशन मुंबई के द्वारा प्रकाशित है, ये संपूर्ण 11 भाग कबीर सागर, ये उन्हीं का है, कबीर पंथियों का छाप्या हुआ, कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद विहारी द्वारा पुरस्कृत, और ये मुद्रक प्रकाशक। जब परमात्मा और काल की वार्ता हुई थी, उस समय परमात्मा से काल ने क्या कहा था कि 12 पंथ तेरे नाम तो चलाऊंगा, अरे इन 12 पंथों में जो नाम लेगा वे मेरे मुख में आन समोई। कबीर साहब ने कहा था द्वादश पंथ करूं मैं साजा और नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा, काल ने कहा था कबीर परमेश्वर को, और द्वादश पंथ करूं मैं साजा नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा, द्वादश पंथ नाम जो ले ही मेरे मुख में आन समोई, और जाओ जोग जीत संसारा जीव न माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा न माने हमरी ओढ़ हो बाद बखाने। तब परमात्मा ने कहा था डट जा आण दे टेम, तब मैं क्या करूँगा तेरे संग में, क्या बताया है ये देखिएगा। बोध सागर कबीर सागर के अंदर बोध सागर, और ये सवसम वेद बोध है, इसमें इसके 121 पृष्ठ पे यहाँ लिखा है सतयुग त्रेता द्वापर माही तीनों युग जीव थोड़े जाही, युग निरंजन ने परमात्मा से वचन लिए थे, चौथा युग जब कलयुग आई तब तो शरण जीव बहु जाई, ऐसा वचन हर बोय दीजे तब तुम संसार गौन ही कीजे। अब परमात्मा ने कहा था अरे काल पर पंथ पसारा तीनों युग जीवन दुख डारा, बिनती तोरी लीन में मानी मोह को ठगे काल भी मानी, चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपनों वंश पठाई, काल फंद छूटे नर लोई सकल सृष्टि प्रवानी खोई, घर घर देखो बोध विचारा सत नाम सब ठोर उचारा। और फिर के 5505 तब ये वचन होगा साचा, कलयुग बीत जावे जब एता तो सब जीव परम पुरुष पद चेता। इसका क्या अर्थ है कि जब 5505 वर्ष बीत जाएंगे कलयुग के, तब मैं अपना अंश भेजूंगा, तब परमात्मा अपने आप को छुपा के करे, और कहते हैं फिर पूरा विश्व परमात्मा के उस परम पद से परिचित होगा, उस भक्ति से, और सकल सतनाम का सब जगह उच्चारण होगा। देखिए चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाएं, अपना अंश भेजेंगे, और काल पंथ छूटे नरलोई सकल सृष्टि प्रवानी कोई, पूरी सृष्टि नाम लेगी, और घर घर देखो बोध विचारा, घर घर परमात्मा की महिमा का विचार होगा ज्ञान का, और सतनाम सब ठोर उचारा, सब जगह सतनाम का दिया जाएगा, सब जाप क्रिया करेंगे, और कलयुग 5505 जब ये वचन होगा साचा, कलयुग बीत जाए तब एता सब जीव परम पुरुष पद चेता, यानी सभी जीव उस परमात्मा के परम पद के प्रीतित हो जाएंगे। सब संवेद बोध 121 पृष्ठ पर आपने पढ़ लिया था, 121 पृष्ठ पे यहाँ पर कि चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाई, काल फंद छूटे नरलोई सकल सृष्टि परवानी कोई, पूरी सृष्टि नाम लेगी बंदी छोड़ का कबीर साहब का, घर घर देखो बोध विचारा और सत नाम सब ठोर उचारा, खुले तौर पर बताया जाएगा फिर नाम सब पुण्यात्माओं का, सत नाम का वो दो अक्षर का नाम है, और 5505 तब ये वचन मेरा होगा साचा, कलयुग बीत जाए तब एता सब जीव परम
पुरुष पद चेता, सब जीव परमात्मा के उसे परम पद से परिचित हो जाएंगे। अब देखना, ये कबीर साहब का फिर संबोधि चल रहा है, 171 पृष्ठ पर आ गए हम। अपुनात्माओं, इसमें लिखा है 500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। कबीर साहब कहते हैं जब, यानी 5500 कलयुग बीत जाएगा, जब एक महापुरुष आवेगा, वहाँ तो उन्होंने खुद कह दिया हम चल कर आएंगे, तो बार बार नौके का मावांगे तब जो चैनी, तो स्पष्ट कर दिया कि महापुरुष फरमान तब जग तारण को आवे। हिंदू तुर्क आदि सब जेते जीव जहान, और सत नाम की साख गए ये पावे पद निर्वाण। पूरे जितने भी जीव हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, या कोई सिख है, कोई भी आगे जो चलेंगे, सारे जितने भी जीव जहान में और जो सतनाम की साख ले, वो पावे पद निर्वाण, निर्वाण माने मोक्ष पद प्राप्त करेंगे। यथा श्रीतगण आप ही मिले संधु में धाये, सत सुकृत के मध्य तिमी सभी पंथ समावे। कहते हैं जैसे समुन्द्र में दरिया गण, ये दरियाएं जैसे गंगा जमुना सरस्वती सारी कहते हैं अपने आप धाए कर दौड़ के उसमें जाकर मिल के एक रस हो जाती हैं, ऐसे सारे पंथ एक दिन इस सच्चाई को समझ के उस मेरे वाले दास के द्वारा चलाए गए उस पंथ में महापुरुष, वो तो मान थे इसलिए मान को महान ही कहते हैं, हम तो दास हैं, कहते उसके द्वारा चलाए गए पंथ में ऐसे भाग भाग का आवेंगे जैसे समुद्र में दरिया सपीट तो जाकर मिल जाया करती हैं, निर्बाध होकर के आ जाते हैं, तो ऐसे सब एक हो जाएंगे सारे पंथ। देखिए, यथा सरित गण आप ही मिले सिंधु में धाये, और सत सुकृत के मध्य तिमी उस सच्चे पंथ के मध्य ये सभी पंथ ऐसे समावें। जब लग पूर्ण हुए नी ठीके को तिथि वार, कपट चातरी तब लो ये सब संवेद निर्धार। कबीर साहब कहते हैं मैंने समय दर दिया यू 5505, जब तक यू ठीक का समय नहीं आवेगा, ठीक माने निर्धारित समय, तब तक तब मेरा सब संवेद का ये वचन निराधार दिखाई देगा, ये उस दिन सच्चा हो जाएगा जब वो दिन आ गया। तो आत्मा आ गया वो ठीक का दिन, ये सारे जाड़ के दर दिए दास ने। जब लग पूर्ण हुए नहीं ठीके को तिथि वार, ठीक का यानी वो निर्धारित समय का, कपट चातरी तब लो, तभी तक ये लोग छल कपट कर रहे हैं बेचारे, और मेरा सौसम वेद निर्धार, ये सौसम वेद में जो ज्ञान लिखा जा रहा है तेरे द्वारा मैं बोल रहा हूँ, ये तब तक तो निराधार दिखाई देंगे। मेरे वचन अकवे से कह रखा है, अब कब आओगा वो दिन। और एक अनेक हो गए, एक से अनेक बना दिए, काल ने नर नर पंथ बना दिए, मज बना दिए, कहते पुनः अनेक हो एक, वो सारे फिर एक हो जाएंगे दोबारा। और हंस चले सतलोक सब सतनाम की टेके, सतनाम के सारे सारे हंस सतलोक जाएंगे, और घर घर बोध विचार हो दुर्मति दूर बहाए, और कलयुग में सब एक सोई बरतें सहज सुभावे। ओए होए, कहते हैं सब तो सतनाम लेंगे और कलयुग में सब नर नारी शुद्ध हो जाएंगे, ये बुराई छूट जाएगी, जहर दिखाई देगा, यूँ रिश्वत लेते हैं और मंत्रियाँ तय के ये घोटाले सामने आ रहे हैं, ये जहर खा रहे हैं बिना ज्ञान के, बालकों की तरह जहर दिखाई देगा आपने, और केवल एक सतलोक दिखाई देगा। और आपका कोई भी काम होगा, भगवान को किस लिए ढूंढते हैं, किस लिए उसकी शरण ग्रहण करते हैं, कि सब दुख दूर किया करता है, सब आवश्यकताएँ पूर्ति करता है, और ऐसे कर देगा आप समझ भी नहीं सकोगे, तो फिर हमने क्या आवश्यकता फिर बकवाद करने की, और फिर विष दिखाई देगा। तो कहते हैं घर घर बोध विचार हो और दुर्मति दूर बहाए, सबकी दुर्मति दूर हो जाएगी इस ज्ञान से, और कलयुग में एक हवे हवे हो के हवे, और सोई बरते सहज सुभाए, सब प्यार तरह करेंगे, और कहाँ उग्र कहाँ सुदर हो, हर सबकी भवीर सो समान समदृष्टि है वो समृत सत कबीर। कहते हैं कि तो डाकू ठग लुटेरे चोर और ये रिश्वत खोर, और क्या फिर शूद्र जो छोटी जाति या नीची, कहते सब एक हो गए भव भीर, सब एक हो जाएंगे, और वो जो पंथ का प्रवर्तक होगा, देखिए सो समान समदृष्टि, वो सबको समान दृष्टि से देखेगा, वो है समृत सत कबीर। बोलो सतगुरुदेव। अपने आत्माओं, ये तो कबीर सागर में आपको प्रमाणित हो गया
कि कलयुग जो 5505 बीत जाएगा तब ये बात मेरी साची होगी धर्मदास, तब तक तो ये निराधार दिखाई देंगे मेरे वचन कबीर सागर में। अब ये निर्णय करना है कि 5505 कब पूरे हुए। अपने आत्माओं, अपने हिंदू समाज में शंकराचार्यों द्वारा दिए गए ज्ञान को हम ऑथेंटिक मानते हैं, अब उन्हीं के अंदर प्रमाणित करते हैं कि आज कलयुग कितना बीत गया। अब देखिएगा, एक पुस्तक है हिमालय तीर्थ, और इसके कौन है संपादक, J.P. नंबूरी, उप मुख्य कार्य अधिकारी श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति। अब यहाँ से हिमालय तीर्थ पहला प्रकाशन 2009 का, प्रकाशक है रंजू चक्रवर्ती, बामा चंद्र राय रोड, कलकत्ता, 76A/1, दूरभाष इतना, ग्रंथसव जयपुर नंबूरी, मुद्रक है ग्री प्रिंट सर्विसेज कलकत्ता। ठीक है, अब इसके हम 42 पृष्ठ पर आते हैं। ये 42 पृष्ठ है, हिमालय तीर्थ नामक ये पुस्तक है। यहाँ एक आदि शंकराचार्य के जन्म के विषय बताई है। ये कोई शिव रहस्य का एक श्लोक है, दोहा है संस्कृत में शिव रहस्य का, इसका अनुवाद किया है। अर्थात कलयुग के 3000 वर्ष व्यतीत होने पर बौद्ध मीमांसकों के मत पर विजय प्राप्ति के लिए शंकर यति के रूप में आविर्भूत होंगे। यानी शंकराचार्य का जन्म जब कलयुग 3000 वर्ष बीत जाएगा तब होगा, ये इनका भविष्यवाणी थी। और ये कब हुआ, ईसा मसीह जी से 508 वर्ष पहले आदि शंकराचार्य जी का जन्म हुआ। देखिएगा, ये पुस्तक है ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ, और ये कहाँ से छपी है, ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ, ये है अंत विभूषित ज्योतिष पीठाधीश्वर एवं द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज, ये संरक्षक हैं, संपादक लेखक एवं संकलन करता है विष्णु दत्त शर्मा, अध्यक्ष आध्यात्मिक उत्थान मंडल दिल्ली। ये प्रेरणा स्रोत मुद्रिक पाइन प्रिंट एंड पैक्स, ये वो सारा कुछ ही नहीं का वही है। प्रकाशक है अखिल भारतीय आध्यात्मिक उत्थान मंडल, 1/3234 गली नंबर 2 रामनगर मंडोली रोड सादरा दिल्ली। ये इनके फैक्स और फोन नंबर है। इसके 11 पृष्ठ पर हम ले चलते हैं आपको, ये 11 पृष्ठ हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या लिखा है, आदि गुरु शंकराचार्य का संक्षिप्त जीवन परिचय हम थोड़ा सा पढ़ेंगे अपने मतलब का। गुरु परंपरागत मठों के अनुसार उनका आविर्भाव किन का, आदि शंकराचार्य का आविर्भाव काल ईसा पूर्व 508 या 476 वर्ष माना जाता है। अब 508 है ईसा पूर्व, 32 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु होगी थी, इसमें से 32 कम कर दो 476, ये जब तक ईसा तक नहीं पहुंचेंगे तब तक ये उल्टे चलते हैं कैलकुलेशन, इधर को बढ़ेंगे तो वो घटेंगी। तो ईसा से 508 वर्ष पूर्व श्री शंकराचार्य जी का जन्म हुआ। ठीक है, अब इधर से हम गिनेंगे तो ईसा जी का जन्म हम सन 2000 से काउंट करें, आसानी से हो जाएगा। सन 2000 को आदि शंकराचार्य को कितना समय हो गया था जन्म हुए ने, 2508 वर्ष सन 2000 को, और उस समय कलयुग कितना बीत चुका था, इन्हीं के उस ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ पुस्तक के आधार से उसमें ऊपर से गिनेंगे तो 3000 वर्ष कलयुग बीत चुका था। और जब उनका जन्म हुआ तो अब से गिने तो उस समय को, जब 3000 वर्ष कलयुग बीत गया था सन 2000 से गिने तो 2508 वर्ष वो जोड़ दें उसमें, तो 2000 सन 2000 को यो कलयुग कितना बीत गया था, 5508 वर्ष। अब हम 5505 खोजेंगे वो कद पूरा हुआ,
अब 5505 कलयुग कब पूरा होता है तो सन 2000 को, तो 5508 बीच गया कलयुग। अब तीन पीछे चले जाओ, 1997 में 5505 वर्ष कलयुग बीत चुका था, यानी 5505 आ गया ना, सोच लो कलयुग। तो अब वो 5505 1997 का फिर क्या रहस्य है? परमात्मा इस दास को फाल्गुन सुदी एकम सन 1997 मार्च में इस दास को कबीर परमात्मा मिले थे। उन्होंने कहा था कि बेटा अब वो समय आ गया है, डिस्क्लोज कर दे इस पूरे प्रोसेस को। बोलो सतगुरुदेव। अपुणात्मा इस दास को भी अभी पता चला है, ये कैलकुलेशन मिली है अभी 2012 में, कि हम कैसे कैलकुलेशन करें कि हम कितना कलयुग बीत गया। इससे पहले दास को भी नहीं पता था कलयुग कितना बीत गया। कोई 5300 वर्ष पहले कहा करते थे कि 5300 वर्ष बीत गए जब गीता लिखी थी, कोई 5500 वर्ष कहा करता था। तो 5500 वर्ष पहले गीता और वेदों का लेखन कार्य किया था श्री वेद व्यास जी ने, कलयुग की स्टार्ट में, द्वापर के अंत में कलयुग स्टार्ट हो चुका था, तब उसने ये लिखी थी वेद और ये पुराण। तो अब 1997 में दास को मिला था, तो उन्होंने कहा था अभी मेरे मिलने का समय, तो डिस्क्लोज ना करिए कि मैं तुझे मिला हूँ, ये अभी बताना नहीं, कुछ दिन रहस्य रखना फिर बताना। सन 2005 में इस दास ने एक पुस्तक लिखी थी भक्ति और भगवान, उसके अंदर प्रमाण की दिया था कि किस किस को वो मालिक मिले, कैसे उस दृश्य को सतलोक को देखा, वापस छोड़ा, कौन से मंत्र दिए। तो उनके साथ साथ दास ने कहा था कि इस दास को भी मिले और इस समय मिले। और एक पुस्तक है आध्यात्मिक ज्ञान गंगा, ये सन 2008 से चल रही है, उस समय से इसके अंदर भी एक चैप्टर है, उसमें दिखाता हूँ दास ने इसका पहले वर्णन कर रखा है। ये ना सोचना कि अभी बनावटी बातें बना रहे हैं, नहीं, ये पहले से ऑलरेडी लिखा हुआ है। 1994 में दास को आदेश दिया मेरे गुरुदेव ने नाम देने का, तो 1994 में स्टार्ट हुआ, 95-96, इन 2-2.5 साल में कोई ज़्यादा संगत हमारी बनी नहीं, और कुछ ऐसे ही भगत थे उनको, उनमें से अभी तक को सार नाम नहीं मिल लिया है, कुछ एक तो ऐसे हैं भोले वाले से। तो कहने का भाव ये है कि तब परमात्मा ने 1997 में कह दिया कि अब इसको खुले दिल से दे दे, अब सब देख लेंगे इनको, हम चलने दे। अब देखो ये आध्यात्मिक ज्ञान गंगा है पुस्तक, ये आपको पढ़ने को मिलती है, यहाँ से ले सकते हो। इसके 538 पृष्ठ पे एक अध्याय है यथार्थ कबीर पंथ परिचय, यहाँ नीचे है मुझ रामपाल दास को परमेश्वर कबीर साहेब जी संवत 2054 फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष एकम मार्च 1997 को दिन के 10 बजे मिले थे, तथा सारसबद की वास्तविकता तथा संगत को दान करने का सही समय का संकेत देकर अंतर ध्यान हो गए थे, इसको अगले आदेश तक रहस्ययुक्त रखने का आदेश दिया था। किसको? कि मैं तुझे मिला हूँ, अभी ना बताना कुछ दिन, किसी का यकीन नहीं होगा, तू झूठा पड़ेगा। तो दास ने फिर लिख दिया, फिर आगे लिख दिया, विशेष किसी को दस बताया नहीं, लेकिन ये आज क्लियर होना था 2012 में। इसमें डूंडा पटेगा, पूरे विश्व में तहलका मचेगा, सत्यज्ञान एक ही रह जाएगा कबीर भगवान का। हर ये मधु परम हंस को कहते हैं, मिला ये कबीर साहब का अवतार है, इन्हें कक का पता नहीं कबीर साहब का अवतार है। अब दिखाते हैं कि परमेश्वर कबीर जी से लेकर इस दास तक हमारी कैसे लाइन जुड़ी हुई है। सबसे पहले परमेश्वर कबीर जी स्वयं आकर आदरणीय गरीबदास साहिब जी को मिले, और आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने अपना एक शिष्य श्री शीतल दास जी महाराज बनाया और उनको ये कंप्लीट कोर्स दे दिया, उनसे प्रतिज्ञा ले ली थी आगे किसी को तू जिक्र भी नहीं करेगा, केवल एक शिष्य को जाने से कुछ समय पहले ये दे देना, और वो स्वयं जाप कर सकता, दूसरे को नहीं बताएगा, उसको प्रतिज्ञा दिलाना।
ऐसे ये चलते चलते इस दास के पास पहुंचा, ये कि अन्य किसी को नहीं बताया उन्होंने। ठीक है, भक्ति मार्ग पर लगा रहे, परमात्मा की महिमा की वाणी का पाठ करने से और धर्म पूर्ण करने से उनको मनुष्य जीवन मिल सकते हैं, लेकिन पाप भी साथ भोगने पड़ते हैं। ये इतना लाभ उनको अवश्य मिला क्योंकि इसको छुपा के लाना था, इस मूल ज्ञान को और इस वास्तविक मंत्र को इस पिछली पीढ़ी तक। नहीं तो धर्मदास जी साहब भी चिंतित थे कि मैं जाप कर रहा हूँ, मेरे बच्चों को मिला नहीं, इनका क्या होगा। तो परमात्मा कबीर जी ने धर्मदास जी को पहले अपने सामने भेज दिया और जीवित समाधि दे दी उसको, तुम निकलाड़े तो मरे, और नाम नहीं आगे प्रकट होने दिया, और स्वयं उनके पुत्र चूड़ामणि जी को कबीर परमेश्वर जी ने ही दीक्षा दी, उसी को आगे वह पांच नाम ही देने का अधिकार दिया। आगे चल के यू टकसारी पंथ आपको दिखा, कबीर पंथ में जो तीसरा चौथा पंथ है टकसारी, उसमें छठी पीढ़ी तक तो वो ज्ञान ठीक चला, पांचवी तक तो पांच नाम वाला भी तो दास आपको देता है प्रथम इस शरीर के कमलों का, लेकिन छठी पीढ़ी के उस महंत को धर्मदास जी के अनुयायी को यानी वंशज को ये टकसारी ने बका दिया कि तू नाम तो देता है ये इन ब्रह्मा विष्णु में साढ़े कमलों के, बात करो तुम सतलोक के, नहीं ये नाम ठीक नहीं। कबीर सागर में लिखा है आदि नाम अमर नाम पाताले सबसन दू नाम, यही अंश का काम है, ये है पांच नाम। अब वो शुरू करवा दिए, वो थोड़ा बहुत लाभ इनका मिलना था वो भी बंद हो गया। अब दास की जो परंपरा में सीधा चला आ रहा है कबीर साहब से गरीबदास जी के पास, गरीबदास जी के बाद शीतल दास जी महाराज गांव बराणा जिला जज्जर, वर्तमान में उनका एक छोटा सा समाधि आश्रम बना हुआ है, ये देखिएगा, ये भक्ति बोध नामक एक पुस्तक है, इसमें आपको हमने ये सारा छपवा रखा है, ये देखिएगा, मेरी गुरु प्रणाली बंदी छोड़ कबीर साहब जी महाराज काशी उत्तर प्रदेश, क्योंकि सतगुरु भी थे कबीर परमात्मा, लेकिन परमात्मा भी थे। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज छुड़ानी जिला जद्दर हरियाणा में, शीतल दास जी, संत ध्यान दास जी, संत रामदास जी, इनके चेले संत ब्रह्मानंद जी क्रोथा में इनकी एक छतरी बनी हुई है, संत जुगदानंद जी महाराज, संत गंगेश्वरानंद जी महाराज, ये आठ में बाजितपुर दिल्ली में इनका आश्रम है, और नौमा है संत चिदानंद जी महाराज मेरे दादा गुरु जी, गोपालपुर धाम सोनीपत हरियाणा में फरकौदा के पास, संत रामदेवानंद जी महाराज तलवंडी भाई फिरोजपुर पंजाब में, और ये ग्यारह माया दास रामपाल दास, यहाँ तक हमारी प्रणाली सीधी जुड़ी हुई है। पुण्यात्माओं, ये जितने पुण्यात्मा संत महंत हैं पुण्यकर्मी प्राणी हैं, और इनको काल ने सेलेक्ट कर लिया कबीर साहब के बच्चों को मिस गाइड करने के लिए, और वो पूर्व जन्म की पुण्यकर्मों से परिपूर्ण होते हैं, और लास्ट में उनका आगे चार्जर ठीक नहीं होता, पिछली बैटरी जब तक चले चले पुण्य, और फिर आगे इनकी भक्ति ठीक नहीं होती, फिर स्वयं दुर्गति को प्राप्त होकर मर जाते हैं। उनमें से एक राधा स्वामी पंथ से निकला हुआ पंथ जय गुरुदेव पंथ है, और उसके प्रवर्तक श्री तुलसीदास जी माने जाते हैं, और वो एक बहुत पुण्यकर्मी प्राणी थे, काल के फंस गए, और उन्होंने सन 1971 में इस दास के बारे में आकाशवाणी की थी कि वो एक महापुरुष आवेगा। देखो थोड़ी सी पढ़ लेंगे जब अच्छा लगेगा। एक है ये जय गुरुदेव की वाणी पुस्तक भाग दो, और ये है श्री वो तुलसीदास जी, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, परम संत तुलसीदास जी महाराज, हर इसके चेले कहें विश्व को शांति नहीं से मिलेगी, मिल गई शांति, दूना बिगड़ गया काम। अब ये है जय गुरुदेव की अमरवाणी शाकाहारी सदाचारी बाल संघ से संकलित प्रकाशक दिव्या शर्मा 88 साकेत कॉलोनी मथुरा उत्तर प्रदेश, मुद्रक है अर्जेंट प्रिंटर्स पुराना बस स्टैंड मथुरा उत्तर प्रदेश। इन्होंने पहले इसके 59 पृष्ठ पर चलते हैं, ये है इसका 59 पृष्ठ। इसने 28 अगस्त 1971 में एक आकाशवाणी करी तुलसीदास जी ने, जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक ने, महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका है 1971 को,
और वह व्यक्ति मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा। उसे जनता का इतना बड़ा समर्थन प्राप्त होगा कि आज तक किसी को नहीं मिला है। वह महापुरुष नए सिरे से विधान को बनाएगा और वह विश्व के संपूर्ण देशों पर लागू होगा। उसका एक झंडा होगा, उसकी एक भाषा होगी। 28 अगस्त 1971 को इसने ये प्रवचन कर दिए। फिर श्रद्धालुओं ने पूछा, भगवान जब वो आ लिया है महाराज जी तो उसका पता बता दो, बहुत पीछे पड़ दिए। तो फिर इन्होंने देखिएगा 7 सितंबर इसके 50 पृष्ठ पे लिखा है, इसाकारी पत्रिका 7 सितंबर 1971 को इसने भविष्यवाणी बोली। देखना, वह अवतार जिसके विषय में 28 अगस्त 1971 को इसने वाणी की थी, वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं वह 20 वर्ष का हो चुका है। इस दास का जन्म, रामपाल दास का जन्म 8 सितंबर 1951 को हुआ और 7 सितंबर 1971 को ये दास पूरा 20 वर्ष का होकर 8 सितंबर को जो है 21वें वर्ष में लग गया था। ये 7 सितंबर 1971 को ये दास 20 वर्ष का हो चुका था। वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं 20 वर्ष का हो चुका है और है यदि उसका पता बता दूं लोग पीछे पड़ जाएंगे। अभी ऊपर से आदेश बताने के लिए नहीं हो रहा है, मैं समय का इंतज़ार कर रहा हूँ और सभी महात्माओं ने समय का इंतज़ार किया है। समय आते ही सबको सब कुछ मालूम हो जाएगा। अपने आत्माओं, सन 2011 में दास ने सत्संग करके इनके साथ, अब ये अध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के माध्यम से भी साधना चलन वालों ने ये सतर्क कर दिया था कि ये पुनकर्मी प्राणी सन 1971 में इसकी दिव्य दृष्टि काम कर रही थी क्योंकि इसकी बैटरी चार्ज थी पिछले पुनकर्मों से। आगे ये 500 नाम काल के जाप कर रहा था, वो कोई भक्ति थी नहीं। तो 2011 में दास ने ये कहा कि यदि आज इसकी दिव्य दृष्टि काम कर रही है तो ये बता दे वो कौन है, वो कौन है 20 वर्ष का था 1971 में, इसको बता देना चाहिए कि बरवाला मारे हर जाओ भाई, ले लो नाम, जाओ कल्याण करवा लो। लेकिन उस समय यूं फ्यूज हो लिया था, इसकी बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी थी, भक्ति खत्म हो गई थी और गड़ के मेरे हाथ पैर इसके जिंदा लाश लिए फिर रहे थे इनको। और जब इसका जू नहीं रहेंगी तो 2-3 महीना बाद से काल ले गया इसने उठा कर। या तो इसके लिए सु अवसर दिया था दाता ने कि अपने भार मुक्त हो जाता और परमात्मा के बच्चे आसानी से आगे इसके कहते ही सारे मान जाते, विस्तलो पहले से कहा करते थे, अरे भाग्य एकदम सारे समझ जाते। लेकिन इसने उस बात पर असर नहीं किया, इसलिए यो कुछ ही दिनों के बाद काल ले गया इसने उठा कर, छोड़ दिया दाता ने। ना 116 वर्ष जिया यो, इसलिए रखा हुआ था कि इस युग कह दे एक बार अपने मुख से, जाओ भाई वो आ रहा है जिसके बारे में 1971 में कहा था। तो ये भी क्रेडिट यू नहीं ले सका। तो पुण्यात्माओं, एक नस्त्रेदमस की आप भविष्यवाणी पढ़ कर देखना इस दास के लिए। कबीर साहब कहते हैं, हमने अपनी महिमा आप बखानी, हमारे बारे में कोई दूसरा बतानिया नहीं कोई भी, आप आरती आप साजे आप किंगर आप बाजे आप ताल झान झन कहरा आप न चाप देखना, कह कबीर ऐसी आरती गाऊँ आप मध्य आप समाओ। तो हमने आप बतानी पड़े ये सारी कहानी, वह कौन हूँ मैं, कौन हूँ कहाँ है, कैसे लाभ होगा। अब जैसे इन भविष्य वक्ताओं का तो काम इतना है जैसे कोई खगोल भगोल का ज्ञाता, और ये बता दे कि अभी परसों 6:35 पर सूर्य उदय होगा, और वो ना बताते तो भी होना था क्योंकि तो परमात्मा का विधान है। तो इन्होंने बता दिया, अच्छी बात है कि वो ऐसे ऐसे है ना। तो परमात्मा ने तो पहले कह रखा कि जब सन 1398 में कबीर भगवान आए थे तो 120 वर्ष रहे थे, 1518 में गए थे, उसी समय कह दिया था कि ऐसे ऐसे होगा। उसका वचन था जिसके वचन से सब ब्रह्मांड घूम रहे, उन्हीं के वचन से आज पूरे विश्व में ये शांति फैलेगी, सारा संसार भगवान कबीर जी की भक्ति करेगा, घर घर में शांति होगी और सबको इतने सुख होंगे आप सोच भी नहीं सकते। तो उस परमात्मा का भी ध्यान था, ये ना बताते तो भी यू दिन तय आना ही था। बोलो सतगुरु जी।
अपने आत्मा सभी इस समय के विषय में जो वर्तमान में समय चल रहा है, अब बात चल रही है संस्कार की कि परमात्मा अपने भक्तों के संस्कार समाप्त कर देगा और अपने कोटे से फिर उनकी पूर्ति करेगा। तो फिर हम भक्ति भी कर सकते हैं, परमात्मा की सेवा भी कर सकते हैं और अपने मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हैं। अब जैसे आपको बहुत बार इस समय के विषय में और इस दास के विषय में बहुत सी भविष्यवाणियां भी आपको सुनाई गई हैं कि ऐसा अनमोल समय है पुण्यात्माओं, भगवान ने तो ये निर्धारित कर ही रखा है 600 वर्ष पहले। वैसे तो परमात्मा ने प्रथम सतयुग में कह दिया था इस काल से कि चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाई, हम अपना दास भेजेंगे और फिर काल फंद छूटे नरलोई, काल का ही दंड सारा खत्म करेगा सब नर नारियों का और सकल सृष्टि परवानिक होई। कलयुग बीतते 5500 जब ये वचन मेरा होगा साचा, कौन सा कि मैं सच अपना अंश भेजूंगा, ये वचन कि मैं अपना अंश भेजूंगा और सारी सृष्टि नाम लेवेगी उस मेरे दास से और सबका कल्याण होएगा, सबका मोक्ष होएगा। और फिर बताया है कि कलयुग बीत जावे जब एता, यानी 5500 वर्ष बीत जाएगा जब कलयुग, सभी प्राणी परम पुरुष पद चेता, सभी प्राणी उस परमात्मा के उस परम पद के जानकार हो जाएंगे। कौन से के? गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। शाश्वत स्थान कभी नाश में न आने वाले को शाश्वत स्थान कहते हैं, उसको सतलोक कहते हैं, लोक माने धाम स्थान। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहाँ जाने के बाद साधक फिर कभी जन्म मृत्यु में नहीं आते। तो यहां बताया है कि जब 5500 वर्ष बीतेगा, हमने आज तक पता ही नहीं था सतलोक भी कोई स्थान है, अरे राधा स्वामी वाले दंद सतगुरु वाले सतलोक सतलोक करे दिन खका नहीं पता था, वो सतनाम वो स्वर नाम वो स्वर सुबद वो सतपुरुष और वो सतनाम वो राधा स्वामी धाम खकता इनको पता। तो हमने परम पद का कभी सुना भी नहीं था सतलोक के बारे में और आज बच्चे बच्चे के मुंह पर हो गया, बच्चे बच्चे की जुबान पे सतलोक सचखंड जावांगे। जैसे दास मिल रहा था बच्चों से संगत से, एक छोटा सा बालक अपनी माँ की गोदी में, अन्यों का गुरु जी सतलोक चलो ना चलो चलेंगे मैंने कहा बेटा भाई विमान आवेगा जब चलेंगे, अभी विमान आने वाला है। तो यहाँ कहा कि सभी प्राणी परम परमेश्वर के उस परम पद के परिचित हो जाएंगे। तो उसी के विषय में एक फ्लोरेंस नाम की भविष्यवक्ता अमेरिका की थी, वो भारत के संत के बारे में गुणगान कर रही है। नास्त्रेदम्स फ्रांस का रहने वाला था, वो भी कहता है भारत में एक महापुरुष संत आएगा जो पूरे विश्व को सच्चा ज्ञान देगा और एक सवत समाज की स्थापना करेगा, विकार रहित होगा, आपस में बुराई नहीं रहेगी, लड़ाई नहीं रहेगी। तो उसी के संबंध में थोड़ी सी और सुनाते हैं आपको। एक ये पुस्तक है पुरानी सी हाथ लगी है किसी भगत का, इब हमारे भगत तक खोजी हो गए, उनको कहीं पर भी कोई सुराख मिलता है उनको तो पता ही लग जाता है ये किसके विषय में बोल रखा है। अब नास्त्रेदम्स की भविष्यवाणी या किसी भी संत की, उस संत के विषय में जो भविष्यवाणी है कोई किसी पर सेट कर रहा है कोई किसी पर कर रहा है, वह पूरी हो ही नहीं सकती। अब हाथी के कपड़े को अस्त्र को और दोटे बदर के देख है किताब गाओ। वो तो हाथी पर फिट होगा,
वो जिसका है। ये देखिएगा, ये एक पुस्तक है, एक पुरानी फटी पुरानी सी है किताब। ये देखो, युग निर्माण की सुनिश्चित संभावना, ये तो इसका नाम है, टाइटल है। लेखक है इसका बलराम सिंह परिहार, प्रकाशक है युग निर्माण योजना, गायत्री तपोभूमि मथुरा से। बस इतना ही उल्लेख है इसका, ज़्यादा आगे नहीं लिखा, ये फटा हुआ ज़्यादा है। ये देखिएगा पृष्ठ नंबर 19 पे, ये पृष्ठ नंबर 19 है, इसके पृष्ठ नंबर 19 पे यानी 19 पे क्या लिखा है कि स्वाधीनता यानी आज़ादी के 4 वर्ष बाद एक शक्तिशाली धार्मिक संस्था प्रकाश में आएगी और सारे संसार का उद्धार करेगी। उद्धारक इस संस्था का स्वामी संचालक होगा। अब यहाँ ये क्या है कि किसी एक भविष्यवाणी है, हंगरी नाम का कोई भविष्यवक्ता था, उसकी ली है इसने, अपनी पुस्तक तैयार की है लोगों की सुन सुना के पटपटा कर, तो इसने अपने ही हिसाब से इन्होंने उस पर सेट कर रखी है। इसका अर्थ ये था कि 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ, उसके 4 वर्ष बाद दास का जन्म होया 1951 में। इसका अर्थ तो ये बनता है कि स्वाधीनता के 4 वर्ष बाद 1951 में एक संत का जन्म होगा जो धार्मिक संस्था को ऐसी बनाएगा जो पूरे विश्व का कल्याण करेगी। यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ कर जाते हैं, अब और दिखाते हैं। ये देखिएगा, ये 23 पृष्ठ पे है, ये 23 पृष्ठ है, इस 23 पृष्ठ पे यहाँ लिखा है इस संगठन का स्वामी संचालक कोई ग्रस्त व्यक्ति होगा। अब तक दुनिया में सबसे बड़े विचारक के रूप में ख्याति प्राप्त करेगा वह व्यक्ति सामाजिक उत्तरदायित्वों से लेकर संसार के सब देश शांतिपूर्ण कैसे रहें उसकी यह व्यवस्थित आचार संहिता तैयार करेगा। उसके जीवन भर के संग्रहित विचारों को यदि एक पुस्तक में लिखा जाए तो बहुत बड़ी पुस्तक बन जाएगी। इसका अर्थ ये है। यहाँ एक 29 पृष्ठ पे देखिएगा, 29 पृष्ठ पे एशिया के किसी देश संभवतः भारतवर्ष में एक नम्र ग्रामीण परिवार में एक महान आत्मा ने जन्म ले लिया है जो एक महान आध्यात्मिक क्रांति का सूत्रपात संचालन और नियंत्रण करेगा। इसके पीछे क्रियाशील आत्माओं की शक्ति होगी जो संसार की वर्तमान विकृत परिस्थितियों को बदल डालेंगी। ९९ में ये क्या बोला गया है कि एक ऐसे व्यक्ति ने जन्म लिया है जिसकी अकेले ही उत्पादित शक्ति किसी भी शक्ति संपन्न राष्ट्र के बराबर होगी। वह एक भाषा, एक संस्कृति, एक धर्म की आचार संहिता सर्जन करेगा। यह देखिएगा 43 पृष्ठ पे, यह लिखा है कि दिव्य देहधारी पुरुष ने जन्म लिया है, वे सबके मन में प्रसन्नता भरेंगे, दुनिया भर के कष्ट दूर करेंगे, अन्यायी और अत्याचारियों को भी वह ठीक करेंगे। रात्रि के प्रथम पहर में जब मैं प्रगाढ़ निद्रा में होता हूँ तो स्वप्न में एक दिव्य पुरुष को देखता हूँ, दिव्य व्यक्ति को, किसी जलाशय के निकट बैठे हुए इस योगी के मस्तक में दोनों भावों के जहाँ मिलती हैं तो उसमें अर्ध चंद्रमा के दर्श होते हैं। उसके बाल सफ़ेद हैं, सुबर वेशभूषा है या निषादान सुंदर, गौवर्ण गौर है, गोरा कलर है, तथा पैरों में चरम विहीन पाहन यानी पादुकाएं हैं, बिना चमड़े की जूतियां पहनता है।
आज तो हमने पूरे अनुयायियों से कोई बैन लगा रखा है कि चमड़े की जूती तुमने पहननी है नहीं, मैं तो पहनूं था कितने। अब देखिएगा इसके प्रश्न नंबर 72 पे, क्योंकि हमने इसके साथ साथ सत्संग भी सुनाना है आपको, जो कि संस्कार के ऊपर बात चल रही थी उसका कुछ विषय इसमें आपको समझाएंगे। इसके बेहतर प्रश्न पर देखिएगा, यहां लिखा है कि इतिहास के अद्वितीय महापुरुष के बारे में नास्ट्रेडमस ने भी कुछ संकेत दिए हैं। उसके मस्तक में चंद्रमा होगा, वेशभूषा बहुत सादी होगी, यानी लाल पीले कपड़े नहीं होंगे उसके, लंगोट लंगाट बांध के नहीं घूमेगा। दो विवाह होंगे, दो पुत्र होंगे, दो पुत्रियां होंगी। अब यहाँ इसके ऊपर थोड़ा सा आपको संस्कार का भी बताऊंगा कि जैसे इसने लिखा है नास्त्रेदमस जी ने कि उसके दो पुत्र होंगे, दो पुत्री होंगी, 10 के 4 संतान है एज इट इज। और जो ये भविष्य वक्ता होते हैं या दार्शनिक होते हैं, इनको जो भी होना है, जो भगवान ने निर्धारित कर रखा है, वो ही देख सकते हैं। अनिर्धारित करनिया भगवान है, वो उसने घटावट आ भी सकता है जो समय आने पर, वो उसकी अपनी मौज होती है। इसमें लिखा है कि उसके दो विवाह होंगे, तो पुण्यात्मा परमात्मा ने संस्कार काट दिया दास का, दो विवाहों का संस्कार था होगा था जो भगवान ये देख रहे हैं, तो गलत थोड़ी देख रहे हैं। और चार संतान का भी संस्कार था, वो चारों उत्पन्न भी हो गए। अब उत्पन्न होने मात्र से बात नहीं बनती, आगे इनकी परवरिश, इनके विवाह शादी, तो बहुत लंबा कार्य था, बहुत बड़ा ऋण था हमारा इनका, तभी तो संतान रूप में मेरे पास आए। तो 1988 में दास को उपदेश प्राप्त हुआ, 1994 में दास को या मजदूरी मिल गई। यदि परमात्मा की शरण ना होती, समर्थ की शरण ना होती, तो इनके साथ ही रह करके इनका लेन देन करना था। फिर परमात्मा ने उनका लेन देन तो खुद किया और दास को अपने शरण में लेकर, ये दास जूनियर इंजीनियर जेई की नौकरी करता था हरियाणा सिंचाई विभाग में, और ये भी ना कोई सोचा किसी का भरम हो जाए, कोई मांगनियाँ खानियाँ था इसलिए वो छोड़ दिया होगा छोटी नौकरी, ना दो रोटी बढ़िया मिल रही थी। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा ने दास को अपनी शरण में लेकर एक बड़ा लड़का एक बड़ी लड़की का केवल विवाह विवाह किया था, दो बच्चे पढ़ ही रहे थे उस समय, दास परमात्मा के चरणों में लग गया था नौकरी त्याग कर, और वो बच्चे आज अन्य से कम नहीं हैं, यानी मालिक ने उनको औरों से भी के इक्विलेंट ही उनकी परवरिश करके, जो दास ने करनी थी वो भगवान ने करी, मेरा संस्कार काट दिया ना, मैं नमूल जा रहा तब फिर आप तक कैसे पहुंचा पाता इस अनमोल ज्ञान को। और दूसरा था विवाह का, यदि दूसरा विवाह हो जाता तो मैं वही लटपट रहता, परमात्मा ने भी कैंसिल कर दिया। अब जैसे क्या बनती है, एक चुटकला है छोटा सा, एक व्यक्ति के दो ब्याह विवाह हो गए किसी कारण से, कोई संतान ना थी बड़े वाली का, तो कुछ दिन के बाद वो आपस में झगड़ा बहुत करने लगी, तो दोनों के मायके वाले आकर के उन्होंने क्या फैसला किया, भाई ऐसे नहीं, इनको अलग अलग कर दो, एक को ऊपर चौबारे में, दूसरी को नीचे, ठीक है। फिर उनका झगड़ा रहने लगा कि एक कहती है कि मेरे पास कम आता है, नीचे रोटी खाई जाता है। फिर वो झगड़ा मिटाया, उन दोनों के मायके वाले फिर आ गए, उन्होंने कहा भी ऐसे करो, एक दिन इसका यहाँ पर खाना खाएगा, एक दिन ऊपर, एक दिन नीचे। उन्होंने कह दिया भी प्रथम एक कम ने तो नीचे, अर्द्वितीया ने ऊपर, तृतीया ने नीचे, चतुर्थी ने ऊपर, ऐसे खाएगा, ठीक है।
एक दिन क्या हुआ, वो छठ और सातम इकट्ठी होगी। अब जो ही वो दरवाजे में आया, नीचे वाली ने उड़े पकड़ लिया हाथ, ऊपर वाली ने दूसरा पकड़ लिया, उसने खींच के ले गई ऊपर ने जिन्ने में गए। फिर वह भाग के लाई नीचे घसीट के, उसने अगनाथ सातम है वह कह छठ है, उसके गोड्डे फोड़ दिए रिहर्सल करके। तपुनात्मा दो विवाह हो जाते थे मेरे, उड़े गोड्डे फूटे जाते, परमात्मा ने दया कर दी, एक कम साथ दी। फिर क्या हुआ, क्योंकि ये दो विवाह इतने बुरे बताए हैं कि एक बार उसी व्यक्ति का चोरी होगी, चोर पकड़ लिया, पंचायत हुई, पंचायत में फैसला हुआ भाई जिसका धन जा रहा है वो बता दे इसको क्या सजा दें, और जिसके दो ब्याह हो रहे थे वो दुखी छक्कर था, इन्होंने बोला इसके दो ब्याह कर दो, और छठ सातम इकट्ठी होगी जब देखूंगा इसने। तो यार छठ सातम के चक्कर में ये मालिक ने ये संस्कार दास का चेंज कर दिया। मासा घटे न तिल बधे, विद ना लिखे जो लेख, साचा सतगुरु मेट कर ऊपर मार मेख। अभी तक आप जी को बहुत सी भविष्यवाणियां रूबरू कराई हैं, उन्हीं के साथ साथ और भी बहुत सी भविष्य वक्ताओं की भविष्यवाणियां हैं जो इस दास के ऊपर खरी उतरती हैं। उनमें से एक है कि उस सायरन सलाइन की माता तीन सिस्टर होंगी, तीन बहनें होंगी। तो दास की माता तीन बहनें थी। अब आपको दिखाते हैं एक किसी वेबसाइट से भक्तों ने निकाला, क्योंकि अब सभी भक्त यही देखने पर लगे हुए हैं कि ये भविष्यवाणियाँ किसके ऊपर खड़ी उतरती हैं। एक वेबसाइट से ये निकाली है, ये आपको दिखाते हैं, देखिएगा। ये है सिर्चिंग सायरन्स लाइन, ये एक वेबसाइट से निकाली है। नास्त्रेदमस ए फेमस नेम रिक्वायर्ड नो इंट्रोडक्शन, ही हैड predicated about numerous event of past, present and future. In these prophecies, a name arise again and again, Siren's line. There are several claims in past of being Siren's line, but none of them proved to be the real one. अब इसमें आगे क्या लिखा है, ये है सेंचुरी नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 75 में, 75 में क्या लिखा है, लॉन्ग अवेटेड ही विल नेवर रिटर्न In Europe, he will appear in Asia. One of the legu issued from the great hammers, Hermes, and he will grow over all kings of East. अब इसमें क्या होता है कि ये तो है मूल लैंग्वेज नास्त्रादमस की, और इसके अनुवाद करने वाले अपने हिसाब से इन्होंने किया है, इन्होंने कोशिश की है कि हिंदुस्तान के अंदर, इसमें आगे लिखा है कि जिस देश का नाम एक सागर के समुद्र के ऊपर होगा, हिंद महासागर, उस देश का नाम वो होगा, यानी हिंदुस्तान। और फिर ये बताया है कि वो उस स्थान पर जन्म लेगा जहां पर पांच दरिया बह रही होंगी, 5 rivers। सन 1555 में नास्त्रेदमस जी ने ये भविष्यवाणी की है।
और उसके बाद की बताई है कि सन 2006 में एक हिंदू नेता अचानक प्रकाश में आवेगा, उस समय उसकी आयु 50 और 60 वर्ष के बीच होगी। इस दास का जन्म 8 सितंबर सन 1951 को हुआ, ठीक 2006 में ये दास 55 वर्ष का था। उसके बाद और भी बहुत सी भविष्यवाणियां उन्होंने की हैं कि वो एक ऐसा ज्ञान डिस्कवर करेगा जो अद्वितीय होगा। ये देखिएगा, वर्ल्ड विक्टोरियस संत द प्रोफेसी ऑफ नास्ट्राडमस अबाउट संत रामपाल जी। इट वॉज रिटन दैट द फर्स्ट, ये बता रखा है कि पहले उसकी बहुत सी प्रोफेसी सिद्ध हुई हैं भारत में, पर इंदिरा गांधी जी के बारे में भी हुई है। फिर लिखा है, यहाँ लिखा है, द इन द एंड ऑफ सेंचुरी 5 ऑफ दिस प्रोफेसी एंड इन द बिगनिंग ऑफ सेंचुरी 6, यानी एक से उसने 2000 के बाद 2005 के बाद 2006 सन है ये, नास्ट्राडमस हैज रिटन दैट फ्रॉम टूडे आई 1555 AD एग्जैक्टली 450 ईयर्स लेटर आई इन ईयर 2006 ए हिंदू संत Siren will appear, i.e. he will be talked of the whole world at that time. The age of that Hindu religious saint Siren will be between 50 and 60 years. और दिखाते हैं, making everyone follow the same rule, regulation and discipline, he will bring them on the true path. I, in Nostradamus, prove one thing indisputably, that siren, any religious leader, will discover a new knowledge. He will neither be Christian, वो न तो क्रिश्चियन होगा कभी भी, वो न क्रिश्चियन हरगिज नहीं होगा, नोर ए मुस्लिम, ना वो मुस्लिम होगा, नोर ए जू, ही विल डेफिनेटली बी हिंदू। ही विल बी मोर इंटेलिजेंट देन द फॉर्मर रिलीजियस लीडर्स एंड ही विल बी इनविजेबल। नास्ट्राडमस जी ने बताया है कि वो एक ऐसा ज्ञान डिस्कवर करेगा, आध्यात्मिक ज्ञान, जो आज तक किसी भी संत साधु ने नहीं बताया होगा, और वो अध्यात्म मार्ग में पूर्व के सभी संतों से ज्ञानवान होगा। देखिएगा, ये सेंचुरी नंबर वन क्वेश्चन नंबर 76 में, दैट द थ्री सिस्टर्स विल हैव द नेम ऑफ डेस्टिनी, इसका इन्होंने वाद भी किया है स्वयं ही। दिस प्रोफेसी गिव्स द साइन अबाउट फैमिली मेंबर्स मदर ऑफ साइरन्स लाइन आर थ्री सिस्टर्स हु विल have name of destiny. The original watercolor image 44 made by Nostradamus shows three sisters who will have name of destiny. One of them wearing black clothes made like an angel by Nostradamus is the mother of Siren's line. कहते हैं इसमें इसका भाव है कि इसमें लिखा है कि नास्ट्राडमस ने उसी समय ये चित्र बनाए थे,
और इसमें जो काले पहनी हुई है कपड़े और जिसके ऊपर एक अलग से साइन दिया है, ये है उसकी माता। इसे सिद्ध हो गया कि उस साइरस लाइन की यानी उस धार्मिक नेता की, आध्यात्मिक गुरु की माता तीन बहन होंगी। इस दास की माता तीन सिस्टर थी, तीन बहनें थी। माता अभी भी जीवित है, दो एक्सपायर हो चुकी है। माता जी क्या शुभ नाम है आप जी का? इंद्रा देवी। माता जी कौन से गांव से हैं आप? दमकन खेड़ी। माता जी आप कितने भाई बहन हैं? छह बहन भाई, तीन बहन तीन भाई। माता जी आपकी जो तीन बहन हैं उनके क्या क्या नाम हैं? बड़ी लक्ष्मी, मेरा नंद्रा देवी, उसका है प्यारी। ये देखिएगा, ये है सेंचुरी नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 27। इसमें क्या लिखा है कि विद इन द इजलेस ऑफ 5 रिवर्स टू 1। इसका इन्होंने नीचे अनुवाद किया है, अनोदर साइन 5 रिवर्स टू 1 इज द पंजाब स्टेट ऑफ इंडिया वेयर 5 रिवर्स फॉलोज एंड इट इज नेम्ड ऑन द इवन सेंचुरी 10 क्वेश्चन 75 में प्रोज। ये तो ये कहना चाहा है इसने कि अनुवाद करता, जैसे गीता जी के जो मूल पाठ में लिखा है उसका अर्थ कुछ और है, अनुवाद करता उसमें जैसा भी उसकी अपनी बुद्धि कहाँ काम कर रही है उतना ही बता रहा है। अब इसमें उसने ये कहा है, नास्ट्रेडमस ने अपने पढ़ा था कि सन 2006 में वो साइरस लाइन, साइरस लाइन को इन्होंने आगे बताया है उसका अर्थ क्या बनता है। साइरन माने पूरे विश्व का, और स्लाइन का अर्थ लिखा है इसके अंदर कि एक चांद का देवता, ये ग्रीक भाषा लैंग्वेज का वर्ड है स्लाइन, यानी एक सुंदर प्रकाश, शीतल प्रकाश का देवता, यानी सबको अच्छा ज्ञान भाईचारा बढ़ाने वाला, यथार्थ ज्ञान देने वाला जो देवता यानी एक महापुरुष, उसके विषय में स्लाइन शब्द का ये अर्थ बताया है। अब इसमें क्या लिखा है, सन 2006 में उसकी उम्र 50 और 60 के बीच होगी, यानी 55 वर्ष के आसपास होगा। आगे क्या लिखा है देखना, ये 5 रिवर के बारे में बताया है जहाँ 5 दरिया बह रही होंगी। ये देखिएगा, साइरस लाइन का भी उन्होंने डिफाइन किया है, इसको विश्लेषण किया है। साइरन ए टर्म यूज्ड इन फ्रेंड्स एट द टाइम ऑफ नास्ट्राडमस फॉर होल यूनिवर्स, यानी पूरा संसार के लिए। एंड ए स्लाइन ना इज नेम ऑफ ग्रीक गॉडेस ऑफ मून, यानी स्लाइना जो शब्द है ये एक चांद की देवी के विषय में कहा है, यानी एक देवता के बारे में कहा है, इसलिए स्लाइन कहा है उसको। तो साइरन स्लाइन मीन्स पूरे विश्व को एक विशेष ज्ञान प्रदान करने वाला देव महापुरुष, अच्छी आत्मा, गॉड माने गॉडेस माने अच्छी आत्मा। नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणी को इन्होंने ट्रांसलेट किया है, वो इस प्रकार देखिएगा, पंजाब द वर्ड पंजाब इज ए कम्बिनेशन ऑफ द इंडो इरानियन वर्ड्स पंज 5 एंड आब माने वाटर। दस द लैंड ऑफ 5 रिवर्स, द 5 रिवर्स आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द इंदूस रिवर, नेमली चनाब, देहलम, रावी, ब्यास एंड सतलुज। इसका कहने का भाव ये है कि जिस स्टेट में, जिस स्थान पर 5 दरिया बहती हों वहाँ पर उसका जन्म होगा। और पुण्यात्माओं, बाह्य बाल्य वाली जन्म साखी में
आप जी ने पढ़ा था कि एक समय श्री नानक देव साहब जी के साथ बाला और मर्दाना भक्त प्रहलाद के लोक में गए, तो वहाँ मर्दाना के पूछने पर भक्त प्रहलाद ने बताया कि यहाँ मेरे इस लोक में केवल तीन महापुरुष आ सकते हैं। नंबर एक परमेश्वर कबीर जी, वो आ चुके हैं। दूसरे ये नानक देव जी, दूसरे ये नानक देव जी, और एक और आएगा, फिर ना यहाँ कोई पहले आया है ना आगे आ सकेगा। और जो यहाँ मेरे लोक में और आवेगा वो इन्हीं महापुरुषों जैसा महान होगा, परमेश्वर कबीर जी जैसा और श्री गुरु नानक देव जी जैसा। तो मर्दाना ने पूछा कि कब आएगा वो और किस पृथ्वी पर आएगा, किस धरती पर आएगा। तब प्रहलाद भक्त ने कहा कि नानक साहब जी के यहाँ से जाने के बाद सैकड़ों वर्ष के बाद आएगा और पंजाब की पृथ्वी पर धरती पर जन्म लेगा। फिर मर्दाना ने पूछा कि कबीर जी दुल्हा थे, नानक जी खत्री हैं, वो कौन सी जाति से होगा। तो प्रहलाद ने बताया कि वो जाट जाति से होगा। एक बार फिर पढ़िए भाई बाला वाली जन्म साखी, आपको क्लियर हो जाएगा। नानक साहेब जी के साथ मर्दाना जी एक बार प्रहलाद जी के लोक में चले गए, जो यहाँ से लगभग लाखों किलोमीटर है। ये देखिएगा, ये वही जन्म साखी है भाई बाला वाली, ये जन्म साखी है भाई बाला वाली, ये आपको पहले भी दिखाई थी। अब इसके आपको दिखाते हैं 272 पृष्ठ पे। प्रहलाद भगत नाल गोष्ठी 272 पृष्ठ पे। तो प्रहलाद भगत की हा, जब नानक साहिब जी मर्दाना और बाला वहाँ पहुँचे प्रहलाद भगत के लोक में, तां प्रहलाद भगत की हा, नानक तपा जी तैनू कलयुग विच राम जी ने बड़ा भगत कीता है, अतः आपके संजोग आपकी संगति से बहुतियाँ का उपकार होएगा। तेरी श्री राम ने वड्डी नदर खोली है, तेरा वड्डा प्रताप होएगा। इस कलयुग विच अग्गे कबीर भगत ऐथे आया है। अब देखो, बिना ज्ञान के भगवान को तो भगत कह रहा प्रहलाद जी, कबीर भगत इत्थे आया है, यहाँ पर आया है। अति जा आपको कर्ता ने आंदा है, यहाँ भेजा है। भा मर्दाने आंदा है, ता मर्दाने पूछिया प्रहलाद भगत नू पूछिया, हे भगत जी तुसी भी वड्डे भगत हो, अते तुहाडे पीछे भी राम जी ने वड्डा चरित्र चलत दिखाया है, एक बहुत बड़ा यानी नरसिंह रूप धारण किया था। तेरी राम जी ने वड्डी नज़र खोली है, भगत जी ऐथे होर कोई भी पहुँचिया है कि कबीर अते नानक तपा जी ही पहुँचिया है। ता प्रहलाद भगत बोलिया, भाई नानक तपे पासों पूछ ले, ले और भी आवसी के ना आवसी, या कोई और आओगा के नहीं आओगा। कोई तो भगत मर्दान ने किया, जी तुसी वड्डे भगत हो, अगली ते पिछली सब आपनों सतयुग थी, सतयुग तक आदि लेकर मालूम है। ता प्रहलाद भगत ने कहा कि सुन भाई, इस जी हा कोई होएगा ता ऐथे पहुँचेगा,
यानी नानक जी जैसा कोई होगा या तो यहाँ पर पहुँचेगा। होरस दा ऐथे पहुँचण दा काम नहीं, होर आगे वड्डे वड्डे भगत होए हन अते होणगे पर पहुँचिया कोई नहीं। ता फिर मर्दा ने पूछिया जी ऊ कद होए सी और किते नेड़े जुग विच होसी, यानी वो कब होसी और को नेड़े तेड़े होगा या नजदीक ही होसी। ता प्रहलाद भगत किया सुन भाई कलयुग विच होएगा और जद नानक तपा सचखंड जावेगा ता उस तो पीछे। ये लिखा सौ वर्ष वरे, यहाँ लिखना यहाँ बोला था उसने सैकड़ों वर्षे सैकड़ों वर्ष के बाद, यहाँ इन्होंने वहाँ फिर सौ लिखना था, इसमें बस एक परमात्रा मात्रा होती सौ हो जाता, यहाँ पर सौ वर्ष ये सौ वर्ष लिख दिया इन्होंने। उसी सौ वरे होसी अते एन्हा ते हाँ ते बगैर होर कोई ना आवसी, यानी इन तिन्ना के बिना यहाँ पर कोई नहीं आ सकता। ता मर्दाने पूछिया जी तीन केड़े हन, ता प्रहलाद भगत की हाँ भाई आगे कबीर होया है ते उन नानक तपा हुआ है अते फिर ऊ होसी। ता मर्दाने पूछिया जी कबीर जुलाहा होया ते नानक खत्री होए अते जी ऊ किस वर्ण होएगा, वो किस वर्ण विच होएगा यानी किस जाति से होएगा ते किस धरती पर होएगा होसी और केड़े शहर। ता प्रहलाद भगत की हा भाई पंजाब की धरती ते और वर्ण जाट जट वर्ण होगा यानी जाट जाति में होगा। और शहर बटाले यो बरवाले का बटाला लिख दिया ना, यो था बरवाला बरवाले में उसी अब इसमें स्पष्ट कर दिया कि केवल तीन ही होंगे इस पृथ्वी पर इस राज को जानने वाले, एक तो भगवान स्वयं आए थे कबीर परमेश्वर, अब उनको तो कोई समझ नहीं सका, वो तो परमात्मा थे ही। फिर नानक साहिब जी को उन्होंने ये ज्ञान दिया उन्होंने, तो प्रहलाद भगत ने स्पष्ट कर दिया कि वो कौन कौन यहाँ आएंगे और ये भी स्पष्ट कर दिया कि वो जाट जाति में होगा। इन्हें बटाला लिख दिया वो बरवाला में, उसका जो प्रचारक क्षेत्र बरवाला होगा ये बरवाला आपके समक्ष है, बाकी बटाला के अंदर कोई भी जाट संत नहीं हुआ जो नानक साहिब जी के गुड़ रहस्य को समझ सका हो। इतिसित आप जी को एक बात यहाँ और ध्यान दिला दूँ कि जिसमें दास का जन्म हुआ मुझ दास का 8 सितंबर 1951 में, उसमें हरियाणा और पंजाब एक ही प्रांत पंजाब प्रांत था, इसलिए भक्त प्रहलाद ने और नास्त्रेदमस जी ने यही कहा है कि उसका जन्म वहाँ उस स्थान पर होगा जहाँ पांच दरिया बह रही होंगी, यानी उसके नाम पर उस क्षेत्र का नाम होगा पांच दरियाओं के नाम पर पंजाब। तो 1966 में विभाजन हुआ है पंजाब का, 1966 में 1 नवंबर 1966 में हरियाणा प्रांत अलग बना है, जिसमें दास का जन्म हुआ उसमें ये पंजाब प्रांत था, ये भ्रम ना हो ये शंका ना उत्पन्न हो, इसलिए यहाँ ये स्पष्ट करना अनिवार्य समझा। पुण्यात्माओं ये उन पुण्यात्माओं के लिए एक दृढ़ विश्वास पैदा करेगा जो ज्ञान दास आपको देना चाह रहा है, क्योंकि यहाँ इस संसार में जब भी परमात्मा आए हैं या अपना कोई दास भेजा है उन्होंने अपनी जानकारी आप बताई है। परमेश्वर कबीर जी कहा करते हम ही अलख अला हैं, कुतुब गोश और पीर, गरीब दास खालिक धनी हमरा नाम कबीर।
ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमारे तीर दास गरीब अधर बसू। कबीर साहब कहते मैं ऊपर रहता हूँ, अवगत सत कबीर। तो अपनी जानकारी स्वयं देनी पड़ती है। और पुण्यात्माओं आपके को एक दृढ़ विश्वास होगा कि हम जहाँ लगे हैं वो यथार्थ स्थान है, पूरा विश्व जागेगा और इस मार्ग पर लगेगा और सबका उद्धार होगा। ये आपके समक्ष जिस महापुरुष के विषय में सभी महापुरुषों ने भविष्य वक्ताओं ने कहा और जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक श्री तुलसीदास जी ने तो डेट ऑफ बर्थ भी बता रखी है कि वो महापुरुष 7 सितंबर 1971 को 20 वर्ष का हो चुका है। तो इससे स्पष्ट है पुण्यात्माओं देर ना करो, ये समय बार बार नहीं मिलेगा और ये समय ऐसे व्यर्थ करने का नहीं है। मानुष जन्म दुर्लभ है, मिला न बारंबार और तबर से पत्ता टूट गए बहुत न लग गए डार। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? चंदन शाह। चंदन जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली सोनिया विहार। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 28 अगस्त 2017। चंदन जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? हिंदू धर्म में प्रचलित सभी देवी देवताओं की भक्ति किया करते थे, जैसे काली माँ की हम इष्ट मान के उनकी पूजा किया करते थे। और बाकी जैसे मम्मी पापा कहा करते थे कि आज बेटा रविवार है, आज जाओ आप शिव जी को जल चढ़ाओ, तो जाते थे। जो जो हमें कहा जाता था हम सभी भक्ति साधनाएं करते थे। बल्कि हमें यह भी नहीं पता था कि लाभ कहते किसे हैं, क्योंकि इन लोगों का विधान है, इन देवी देवताओं का, कि जैसा कर्म करेगा वैसा ही ये दंड देंगे या हमें वैसा ही परिणाम देंगे। तो ना ही तो ये हमें सुख दे सकते थे, ना ही कोई अन्य लाभ दे सकते थे। जैसा हम कर्म करते थे वैसा ही ये दे सकते थे। इस वजह से हम जैसा कर्म करते थे हमें प्रारब्ध प्राप्त होता था। जैसे मेरी मम्मी को बहुत पुराना कमर का दर्द रहता था, वो तमाम डॉक्टरों से दिखाया, तमाम MRI करवाए, एक्सरे करवाए, पर कहीं से लाभ प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि वो सही नहीं हो रहा था। बहुत जगह हमने धक्के खाए। फिर उसके बाद मम्मी ने अंत में जाके मम्मी ने हार मान ली कि अब फिर मम्मी को किसी ने बताया कि ये एक गुरु हैं जय गुरुदेव जी, आप उनके पास जाइए, वहाँ से सही होगा। तो मम्मी ने उनसे नाम भी लिया, और लेकिन वो भी करते करते मम्मी को कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। उनकी भी भक्ति मम्मी अभी तक करती आ रही थी। फिर मेरे मामा जी थे, और बाकी मेरे मामा जी के भूत भी लगा करते थे हमारे। भूत प्रेत की बाधाएँ थी हमें, हमारे घर में काफ़ी भूत प्रेत की बाधाएँ थी, जिनसे हमारे घर में हमारे नाना जी ख़त्म हो गए, दादाजी, ऐसे करते करते हमारे सारे बुजुर्ग ख़त्म होते जा रहे थे। भूत प्रेत की ज़्यादा बाधाएँ थी हमारे घर में। और बाकी मेरी बहन की तबीयत ख़राब रहती थी, काफ़ी कमज़ोर थी वो, उसकी कभी पैरों की नस चलने लग जाती तो उसे अस्पताल लेके भागना पड़े। हफ्ते में कम से कम 4 दिन तो अस्पताल में बीतते थे हमारे। बाकी मेरी भी तबीयत ख़राब रहती थी, मुझे अचानक से फीवर होता था और पता नहीं कब वो बढ़ जाता था, हाई लेवल पे हो जाता था। और संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले मुझे टाइफाइड हो गया। टाइफाइड जो हुआ तो फिर मेरे को हाई लेवल का टाइफाइड हो गया। उसमें डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने कहा कि इसका, उन्होंने मेरा खून जांच किया। सबसे पहले उन्होंने बताया इसका खून काला हो चुका है, अब ये ज़िंदा नहीं बच सकता, अब आप कहीं पे भी ले जाओ इसे, ये ज़िंदा नहीं बच सकता। हमें काली माँ की भक्ति करते हुए हमें कोई लाभ नहीं मिले, हमने उन्हें इष्ट रूप में पूजा, हमें कोई लाभ नहीं हुए, बल्कि हमें दिन प्रतिदिन नुकसान होती रहती थी। हमारी आर्थिक तंगी थी, काफ़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी हमारे घर में। तो जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले हम जितनी भी भक्ति साधनाएं करते थे उनसे हमें कोई लाभ प्राप्त नहीं हुए। तो फिर इन सब परेशानियों के बीच आपको संत रामपाल जी महाराज की जानकारी कहां से मिली? हमारे मामा जी आए थे हमारे घर पे, तो उन्होंने हमें ज्ञान गंगा पुस्तक दी। तो हमने, मेरे अंदर ललक आ गई कि अब ये ज्ञान गंगा पुस्तक है, इसे पढ़ना चाहिए, अच्छी ज्ञान की पुस्तक है। तो मामा ने कहा कि इसे ज़रूर पढ़ना, तो मैंने उसे 3 महीने में पढ़ी। और उसके बाद मैंने ज्ञान समझ के सदगुरु संत रामपाल जी महाराज के पास पहले मैंने अपनी मम्मी को भेजा कि मम्मी आप जाओ नाम लेकर आओ, अगर आपको कुछ लाभ मिलता है तो मैं भी आपके साथ जुड़ जाऊँगा। तो फिर मम्मी ने वहाँ से नाम दीक्षा ली।
तो मम्मी आई तो मम्मी के कमर का दर्द एकदम छूमंतर हो गया, जैसे ऐसा लग रहा था कि वो दर्द था ही नहीं उनके। और फिर मैंने सोचा कि जब मम्मी के सही हो गया तो मुझे भी सही हो जाएगा। फिर मैंने मम्मी से कहा, मम्मी बस आप मेरे को नाम दिला दो। मेरे रीढ़ की हड्डी में उस समय बहुत दर्द रहता था टाइफाइड की वजह से, भूख नहीं लगती थी मुझे, तो रीढ़ की हड्डी में ज़्यादा पेन रहता था मेरे। मैं बेड पे पड़ा रहता था। और फिर उस दिन जिस दिन नाम लेने जाना था 28 अगस्त को 2017 में, तो मैं उस दिन 5 किलोमीटर साइकिल अकेले चला के लोनी तक गया था। आप मानेंगे नहीं, मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी, फिर भी मैं संत रामपाल जी महाराज से मैंने कहा, अगर आप भगवान हों तो आप मेरे को अपने पास सही सलामत लेकर अपने पास तक पहुंचा दो, मैं आपसे ज़रूर नाम दीक्षा लूँगा। और फिर जब मैं वहाँ तक गया, मेरे कमर का दर्द बिल्कुल ख़त्म हो गया नाम लेने से पहले। तो ऐसे करके हमने वहाँ पे सदगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली। चंदन, हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद श्रद्धालुओं को बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए? जी हाँ सर, हमें लाभ प्राप्त हुए। हमें सबसे पहले तो आध्यात्मिक ज्ञान पता लगा, हमें ये पता लगा कि आखिर सच्ची भक्ति क्या है, उसकी विधि क्या है। शास्त्रानुकूल भक्ति प्राप्त हुई संत रामपाल जी महाराज से। उसके बाद हमें शारीरिक सुख भी मिले, आर्थिक सुख भी मिले, जैसे कि मम्मी के कमर का दर्द सही हुआ, बहुत पुराना दर्द। मैं भी अस्पताल में ही रहता था, हफ्ते के 4 दिन हमें अस्पताल दौड़ना पड़ता था, कैसे भी किसी भी कारण, किसी को कुछ हो जाता था, किसी को कुछ हो जाता था। तो हमारे उन सब चीज़ों में फ़र्क आया। फिर हमने संत रामपाल जी महाराज से जब नाम लिया, उसके 15 दिन बाद हमारे घर में ऐसा माहौल बनने लग गया कि जैसे अब सुख ही सुख थे हमारे घर में, क्योंकि अब कलेश रहता नहीं था ज़्यादा, क्योंकि परमात्मा का ज्ञान सबको मिल गया था, इस वजह से ज़्यादा कलेश नहीं रहता था। पापा को काफ़ी ज़्यादा टेंशन रहती थी पहले, तो अब वो भी नहीं रहती थी। टेंशन इस बात की थी क्योंकि पापा के ऊपर कर्जा काफ़ी चढ़ गया था, तो अब संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद पापा का कर्जा धीरे धीरे उतरता जा रहा है। और बाकी मेरी बहन जो तबीयत ख़राब रहती थी उसकी, वो काफ़ी कमज़ोर थी हमारे घर में सबसे ज़्यादा। जैसी मेरे को टाइफाइड हुआ था ना, उनसे पहले उन्हें चिकनगुनिया हो गया था, तो वो एडमिट थी अस्पताल में। हम संत रामपाल जी महाराज से इसी बीच जुड़ गए, तो हमने कह दिया कि आप डॉक्टर को कि आप इन्हें डिस्चार्ज करो, अब जो करेंगे हमारे संत रामपाल जी महाराज सही कर देंगे। एक रात में भगत जी आप मानेंगे नहीं, मेरी बहन सवेरे उठी, हमें उसे हर जगह ले जाना पड़ता था, कहीं पे भी जाती थी तो उसकी तबीयत इतनी ख़राब थी चल नहीं पाती थी। सवेरे उठी और उसने खुद ही गई बाथरूम में, उसने मुंह धोया, आई और खाना भी उसने खुद ही खाया, हमें खिलाना पड़ता था, बेड पे ले जाना पड़ता था उसे खाना खिलाने के लिए, पर लेकिन वो खुद उठ के आई और उसने खुद खाना खाया। और उस दिन के बाद आज तक है हमारे घर में किसी ने भी एक टैबलेट तक नहीं खाई है किसी भी बीमारी की, वो सही हो जाती है अपने आप। और बाकी अन्य लाभ ये हुआ, परमात्मा ने मुझे दर्शन दिए सदगुरु रामपाल जी महाराज ने, और वो मुझे सतलोक लेकर गए 12 अप्रैल सन 2018 में, मेरे को वो सतलोक लेकर गए परमात्मा। सतलोक में भी मेरे को विश्वास तो नहीं हो रहा था, पर लेकिन मैं उस दिन 8 बजे मेरी आँख लग गई, मैं सोया और फिर उसके बाद मेरे को काल के दर्शन हुए। मैं काफ़ी डर गया, मैं 10 बजे उठा, 10:30 के करीब उठा मैं, और फिर उसके बाद मेरे को नींद नहीं आई 1:30 बजे तक, क्योंकि मैं काफ़ी डर गया था। मैं सतनाम का जाप करता रहा, मेरे को फरवरी में मिल गया था सतनाम का जाप 25 फरवरी को, और मैं सतनाम का जाप करता रहा 1:30 बजे रात तक, करता रहा ऐसे करते करते 1:30 बजे मेरे को अपने आप नींद आ गई। उसके बाद जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने मुझे दर्शन दिए, उनके मतलब उन्होंने जब दर्शन दिए तो उनके शरीर के आगे पीछे रोशनी सी चल रही थी, चक्कर सा था, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसे करके हाथ बढ़ाया, मैंने उनका हाथ पकड़ा, उन्होंने मेरे को खींच लिया। उन्होंने जो खींचा तो ऐसे लगा मैं जो उनके शरीर के आसपास की रोशनी थी मैं उसमें समा गया। अंदर जब गया तो मैंने देखा आत्माएं कहीं इधर उड़ रही हैं, कहीं इधर उधर मतलब विचरण कर रही हैं, और वहाँ का बहुत अच्छा मौसम, वहाँ ना ही सूरज ना ही कुछ, वहाँ वो प्रकाशित लोक था बस, वहाँ पे हर आत्मा के शरीर से रोशनी निकल रही थी। फिर मेरे को अंदाज़ा लग गया कि ये परमात्मा मेरे को सतलोक लेकर आए हैं। फिर उसके बाद संत रामपाल जी महाराज मेरे को सतलोक में मिले, और उन्होंने मेरे को जहाँ कबीर जी का आसन है वहाँ पर लेकर गए। वहाँ पर एक बहुत से बड़े गोमज में बीच में परमात्मा जैसे राजा होता है वैसे बैठे हुए थे सिंहासन पे, और उसके बगल में दरबारियों की तरह जैसे हमारे संत गरीबदास जी महाराज, संत रामपाल जी महाराज, ये सब वहाँ पर अन्य रूप बना के बैठे हुए थे, रामदेवानंद जी महाराज, चित्तानंद जी महाराज,
जितने भी गुरु हमारे गुरुजी से पहले हुए हैं, संत रामपाल जी महाराज से पहले, वो सब दरबारी की तरह बैठे हुए थे वहाँ पे। मैंने कबीर जी को दंडवत प्रणाम किया, उतने में वहाँ पे एक आत्मा आई, तो कबीर जी ने कहा कि इन्हें ये नए मेहमान हैं, इन्हें सतलोक घुमा दो। तो फिर उन्होंने मेरे को एक यान दिया, यान के अंदर हम जा रहे थे हम दोनों, वो आत्मा भी थी मेरे साथ, वो लेकर जा रही थी। तो एक पहाड़ था, पहाड़ के बीच से वो मुझे निकाल रही थी, मतलब दो पहाड़ थे उनके बीच में बिल्कुल गैप नहीं था कि हमारा यान निकल सके। तो मैंने कहा कि आप मुझे मत निकालो, मैं मर जाऊँगा क्योंकि यहाँ गैप नहीं है, अब इतनी सी जगह में हम कैसे निकलेंगे। तो उन्होंने कहा बेटा यहाँ की कोई भी वस्तु नाशवान नहीं है, ये अमर लोक है, अविनाशी लोक है। तो फिर इतना कहते ही पहाड़ के बीच से हम निकल गए। और जब मैंने आँखें मींच ली, मैं काफ़ी डर गया था, फिर मैंने जब आँखें खोली तो हम पहाड़ को पार कर चुके थे और मुझे कुछ भी नहीं हुआ था। तो फिर उन्होंने मेरे को ऐसे करते करते मेरे को उन्होंने एक वहाँ पे दूध की नदी बहती है वहाँ पे लेकर गए। तो मैं उसे, वो आत्मा तो पी रही थी पर लेकिन मैं पी नहीं पा रहा था उसको। फिर संत रामपाल जी महाराज वहाँ पे दर्शन दिए उन्होंने मेरे को, संत रामपाल जी महाराज के रूप में कबीर जी आए थे वहाँ पे, उन्होंने मेरे को दर्शन दिए और उन्होंने मेरे को फिर अपने हाथों से दूध पिलाया। बहुत अच्छा लगा मेरे को, बहुत अच्छी फीलिंग आई वहाँ पे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि संत रामपाल जी महाराज इतनी ऊंची शक्ति के हैं, और उन्होंने मेरे को वहाँ पे पूरा सतलोक घुमाया। जैसे धीरे धीरे करके वो मेरे को लेकर गए, उन्होंने कहा बेटा देखो ये जगह है, ये जगह है, और यहाँ पे इस फलदार वृक्ष थे, वहाँ पे काजू किशमिश लगे रहते थे। तो मेरे को बीच में भूख लग गई, मैंने कहा संत रामपाल जी महाराज गुरुजी को, गुरुजी मुझे भूख लग रही है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक हाथ यूँ किया और एक हाथ इधर किया, तो इसमें एक कटोरी आई, उसके अंदर खीर भरा हुआ था, और इधर पानी का एक गिलास आया, और उन्होंने मैंने उसे खा लिया। फिर मेरा पेट भी भर गया। उसके बाद फिर मैंने कहा गुरुजी अब मेरा यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है, संत रामपाल जी महाराज से कहा मैंने। तो उन्होंने कहा बेटा देखो तुम यहाँ से जब गए थे तो तुम भक्ति युक्त थे, तुमने अपना कर्म बिगाड़ लिए, तुम्हें जाना नहीं चाहिए था यहाँ से, तुम चले गए, तुम भक्ति युक्त थे, तो अब जब तुम आओगे ना यहाँ पे तो भक्ति युक्ति आओगे, ऐसे मैं तुम्हें ला नहीं सकता यहाँ पे, जब तक तुम्हारे अंदर भक्ति नहीं होगी, दृढ़ता नहीं होगी मेरे प्रति, मैं तुम्हें नहीं ला सकता यहाँ पे, तुम यहाँ रह नहीं सकते, तुम्हें उस लोक में जाना पड़ेगा, सेवा करनी पड़ेगी, भक्ति करनी पड़ेगी दृढ़ होके, सारनाम लेना पड़ेगा जब तुम यहाँ आ सकते हो, और यहाँ पे जब ही तुम रह सकते हो, वरना मैं तुम्हें यहाँ नहीं रख सकता। तो उन्होंने मेरे को, मैं उस दिन 1:30 बजे सोया था रात में और सुबह 9 बजे उठा। ये तो नॉर्मल सी बात है कि किसी दिन ज़्यादा नींद आ गई तो मैं सो गया, तो मेरे घर में किसी ने उतनी टेंशन भी नहीं ली। तो मैं जब आया तो मेरे को गुरुजी ने वहाँ छोड़ दिया कि जाओ अब तुम नीचे जाओ भक्ति करना। मैं नीचे आया, मैंने मम्मी को ये सब बताया, तो फिर मम्मी कह रही कि ऐसा हो नहीं सकता। तो फिर मम्मी ने उसी समय, मैंने कहा मम्मी आप दंडवत करो, अगर मेरी बात सच है ना तो आपको गुरुजी दंडवत करते समय मेरी बात महसूस करा देंगे। उनको दंडवत किया मेरी मम्मी ने संत रामपाल जी महाराज को। फिर संत रामपाल जी महाराज ने, उन्हें पता नहीं क्या उनके अंदर से फीलिंग आई कि उन्होंने कहा कि बेटा तू जो भी बोल रहा है तू सच बोल रहा है, मुझे पता लग गया अब। और फिर सतलोक गया मैं, तो मेरे अंदर दृढ़ता आ गई। फिर मैंने सोचा कि अब तो भक्ति करनी है, फिर मैंने जम के भक्ति की, और आज भी मैं भक्ति कर रहा हूँ संत रामपाल जी महाराज से जुड़ के। और हमें अनेकों लाभ होते हैं, जैसे कि एक बार मेरे पापा सेल्समैन का काम करते हैं, टॉफ़ी चॉकलेट की सेल करते हैं दुकानों पे। वो आ रहे थे, रास्ते में एक ट्रक आया, ट्रक का पीछे का कुंडा था वो पापा के साइकिल के थैले में फंस गया, तो थैले का सामान तो बिखर गया, साइकिल को कुछ नहीं हुआ, नहीं पापा को कुछ हुआ, बस थैले का सामान बिखर गया। और उतने में वो ट्रक वाला आदमी बाहर आया और उस ट्रक वाले आदमी ने कहा कि आपको जितने भी पैसे चाहिए हो आप मुझसे ले लो, पर लेकिन मुझे छोड़ दो। पर फिर पापा ने कहा कि हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज का नियम है, हम आपसे फजूल पैसे नहीं ले सकते, कोई बात नहीं, आप देखने आए हमको यही बहुत है, वरना कोई और तो देखने भी नहीं आता। तो फिर वहाँ से परमात्मा ने पापा की जान बचाई। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। पहले आप हॉस्पिटलों के चक्कर लगाते रहते थे जिससे आपके घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई, आपको और आपकी बहन को संत रामपाल जी महाराज ने ठीक किया। इसके बाद संत रामपाल जी महाराज आपको सतलोक लेके गए और सतलोक के दर्शन कराए। तो जो लोग आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें संत रामपाल जी महाराज के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं संत रामपाल जी महाराज के बारे में जितना कह सके उतना ही कम है, क्योंकि
ये एक परमात्मा के स्वरूप हैं और ये कलयुग में उतरे हैं हमारे मुक्तिदाता के रूप में। ये राइट टाइम है, आप आइए, भक्ति कीजिए और पार हो जाइए। मैं संदेश तो दे नहीं सकता, पर लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से, ऑल सिटीजन से, कि आप आइए। ये राइट वे ऑफ वर्शिप देते हैं संत रामपाल जी महाराज, सबसे अच्छा तरीका वर्शिप का, और प्रमाणित भक्ति देते हैं विद प्रूफ, हर चीज़ को वो प्रूफ के साथ बताते हैं। तो आप आइए, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लीजिए और अपना कल्याण करवाइए। चंदन, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेना काफ़ी आसान है। जैसे कि संत रामपाल जी महाराज के विभिन्न चैनलों पे सत्संग चलते हैं, उसके नीचे एक पट्टी चलती है, उस पे सतलोक आश्रम के कॉन्टैक्ट नंबर्स आते हैं, उनमें आप कॉन्टैक्ट करके उन भक्तों से अपना नज़दीकी नामदान केंद्र का पता जान सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8222880541, 8222880542, 8222880543, 8222880544। हमारी वेबसाइट है www.jagatgururampalji.org।